आगे भाई गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों फ्यूचर डॉक्टर्स अच्छे अच्छे डॉक्टर बने वाले बच्चों काफी देर से आप लोग इंतजार कर रहे थे सॉरी फॉर डिले थोड़ा सा टेक्निकल इशू था एक्चुअली स्लाइड चल नहीं रही थी तो चलिए कोई बात नहीं है आ गए हैं आपके कमेंट्स हम पढ़ रहे थे हम यहीं पे थे यस हैप्पी आई कैन अंडरस्टैंड बेटा मेरा भी तो समझ आ ही रहा था चलिए ठीक है कोई बात नहीं है चैप्टर का नाम है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन अच्छा चैप्टर है एक दो क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाता है और पेट है कि कहाँ से आना है तो एक क्विक स्नैप मतलब हम लोग क्या करेंगे क्विक शॉर्ट रिविजन जैसा करेंगे इस चैप्टर में कुछ चीज़ें अच्छी हैं यानी कि कहने का मतलब है कि उसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है और पेट है यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आना होता है खास करके आपका लास्ट में जो रेनिन एजोटिन एल्डोस्टोन सिस्टम हो गया ए एन एफ हो गया और डिसऑर्डर्स हो गया और किडनी का स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन आता है ठीक है तो जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए गुड इवनिंग शानु भाई हैप्पी आद्या आदित्य कामरान विशाल सैयद महापरा फैजान सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग जल्दी से क्लास को ज्वाइन करिए सॉरी फॉर द डिस्ट वन चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे सॉरी चैप्टर पे आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ आ जाएंगे तो बेटा चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं उसका एलिमिनेशन करना इज कॉल्ड एस्क्रीशन एक्चुअली हमारा दिमाग एक्सक्रीशन को क्या समझ लेता है कि जो डाइजेस्टिव वेट था जो फीकल था जो मलमूत्र था उसको त्यागना भी एक्सक्रीशन कहते कई बच्चा सोच लेते हैं लेकिन बच्चा वो गलत है एक्सक्रीशन होता है जो मेटाबोलिक वेस्ट हो यानी कि जो कैटाबोलिज्म से वेस्ट निकलता है जैसे कि सीओ हो गया नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया इन सब का रिमूवल क्या कहलाएगा एक्सक्रीशन कहलाएगा और जिसको रिमूव करते हैं जिस चीज को बॉडी से बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं एस्क्रिटरी सब्सटेंस तो दो वर्ड आता है एक आता है एस्क्रिशन और एक वर्ड आता है एस्क्रिटरी सब्सटेंस तो सबसे पहले यही क्वेश्चन बनना है कि कौन कौन से एस्क्रिटरी सब्सटेंस होते हैं कहाँ कहाँ पे और जो ऑर्गन इस्तेमाल होते हैं एस्क्रिशन में उसको हम लोग बोलते हैं एस्क्रिटरी ऑर्गन तो तीन पॉइंट आया एस्क्रिशन एस्क्रिटरी सब्सटेंस और एस्क्रिटरी ऑर्गन पहला इस पेज में यही दिया हुआ है चलो बढ़िया है तो सबसे पहले अगर हम बात करें देखो तो यहीं पे एनसीआर में शुरू में ही क्या लिख दिया है एनिमल्स एक्मलेट अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम पोटेशियम क्लोराइड एंड फास्फेट सल्फेट एटसेट्रा आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बाय अदर मीन लाइक एक्सेस इंजेसन ज्यादा खा लोगे तब भी तो एपजार हो जाएगा तो कहते हैं ज्यादा खाने से या मेटाबोलिम जैसे कि कैटाबॉलिक प्रोसेस से भी आपका अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड ये सब चीजें बनती चली जाती हैं तो हम जाओ जाओ यार हमने रोका थोड़ी ना डिनर करो मोबाइल चलाते चलाते भी डिनर कर सकते हो बताने की क्या जरूरत थी चलिए भाई अब इसको ये क्या होता कि है कि हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होता बेटा क्या होता है टॉक्सिक होता है इसलिए इसका एलिमिनेशन बहुत ही जरूरी है अगर इसका कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में या ब्लड में बढ़ने लगेगा तो हमको बीमारी हो जाएगी डिजीज हो जाएगा अब कहते हैं मेन एस्कटरी वेस्ट में कौन कौन आएगा अमोनिया यूरिया एंड यूरिक एसिड तो यहां से लाइन हम लोग पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मेकेजम ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंस विद स्पेशल इम्फेसिस ऑन कॉमन नाइट्रोजिनस वेस्ट तो कॉमन नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या है कमान hey, यहां पे देखो कॉमन नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या है पहला क्वेश्चन निकल गया है आपके सामने अमोनिया यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट

तो ज्यादा पानी चाहिए फॉर देयर एलिमिनेशन तो मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म कौन होगा क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से तो इसे आ जाएगा आपका अमोनिया एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन तो सिंपल सा अगर एक फंडा लेके चले प्यारे बच्चों तो आप एक चीज ध्यान रख सकते हो कुछ नहीं बस ये बगल में लिख लो खत्म करो कि एक हो गया आपका अमोनिया और एक हो गया आपका यूरिया और एक हो गया बेटा आपका यूरिक एसिड अब प्यारे बच्चों आप देखो यूरिया इनके बीच में आएगा यूरिया इनके बीच में आएगा अमोनिया मोस्ट होगा ए हो और अरे मीडियम होगा काम खत्म फिर से बोलो अमोनिया क्या होगा मोस्ट यूरिया क्या होगा मीडियम और आपका यूरिक एसिड क्या होगा आपका यूरिक एसिड क्या होगा भाई आपका लिस्ट होगा तो जरा बताए क्वेश्चन पूछते हैं मोस्ट टॉक्सिक थैंक यू राम ब्रिक्च कोई बात नहीं यार याद हो जाएगा जरा बताइए मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म कौन होगा तो क्या कहोगे अमोनिया हाईली वाटर सॉलबुल या मोस्ट रेडली वाटर सॉलबुल कौन होगा अमोनिया होगा कौन ज्यादा पानी चाहिए अमोनिया होगा लीस्ट टॉक्सिक कौन होगा यूरिक एसिड लीस्ट सॉल्युबल कौन होगा यूरिक एसिड और मीडियोकर कौन होगा यूरिया तो हो गया खत्म कुछ अगर ना अमोनिया हाई यूरिक एसिड लो एकदम लिस्ट। और बीच में कौन आ जाएगा यूरिया खत्म आगे बढ़े चलिए भाई थैंक यू थैंक यू शुभम जी तो बच्चों, ये देखिए एस्क्रेटरी सिस्टम में आपकी किडनी की पोजीशन है ये जो जरा देखो यहां पे जब आप जाते हो रिप्स तो रिप्स को याद करो अभी लोकोमोशन में आएगा तो रिप्स में आपका एक रिप्स होता था ट्रू रिप्स फिर आता है फॉल्स फिर आता है आपका फ्लोटिंग जो फ्लोटिंग रिप्स होता है जो फ्लोटिंग रिप्स होता है यहीं तक आता है फिर आगे नहीं बढ़ता है तो कहते हैं बेटा जो फ्लोटिंग रिप्स होता है वो प्रोटेक्ट करता है आपको किडनी की तो किडनी की पोजिशन इधर नहीं होती है है आपकी आपका जब वर्टिब्रल कॉलम देखते हो तो सर्वाइकल फिर थोरेसिक फिर लंबर फिर सैक्रल फिर कॉर्डर तो जो आपका तो जो आपका बेटा थोरेसिक वर्टिब्रा होता है उसमें पोजीशन होती है टी ट्वेल्व यानी लास्ट थोरसिक वर्टिब्रा और लंबर कौन सा थर्ड लंबर के बीच में आपका पाया जाता है किडनी की पोजीशन तो अगर जैसे कि आपको याद होगा मैंने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ बताया था ट्रैकिया डिवाइड होता है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इन लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई ठीक उसी प्रकार आपका ये जो किडनी की पोजिशन होती है वो हो जाएगी टी टू एल क्लियर पोजिशन भी दिख गई और जरा देखो तो लेफ्ट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है right राइट थोड़ी सी ऊपर होती है ये भी आप आपकी एनसीआरटी में क्लियर कट दिखा होगा अब बेटा जरा हम लोग देख लेते हैं में भी लिखा हुआ है कि एक्सक्रीटरी वेस्ट आपका क्लियर हो गया एक हो गया भैया अमोनिया एक हो गया यूरिया और एक हो गया यूरिक एसिड आपको क्या फीलिंग आ रही है एक्वेटिक फार्म होना बहुत जरूरी है अमोनिया के लिए क्योंकि पानी ही पानी चाहिए उसके रिमूवल के लिए बॉडी में टिकने नहीं देना है जितना भी अमोनिया बना जाओ बाहर जितना अमोनिया बना जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर तो कहने का मतलब ये हो जाता है बेटा कि अमोनिया को याद रखना वही मीडियम में आएगा जहां पे अमोनिया उसी मीडियम में आएगा जहां पे बेटा आपका पाया जाएगा एक्वेटिक इन्वायरमेंट कौन सा इन्वायरमेंट एक्वेटिक एनवायरमेंट और मेरा क्वेश्चन है एक्वेटिक एनवायरमेंट में कौन सा फ्रेश वाटर की मरीन वाटर ठीक है राजिया एनसीआरटी की पूरी लाइन करेंगे पहले हम लोग फटाक से आर्गन कर लेते हैं एनसीआरटी की लाइन पूरी कर देंगे डोंट वरी यस यस यू आर वेरी करेक्ट फ्रेश वाटर होगा नहीं नहीं दोनों नहीं दोनों नहीं दोनों नहीं गलत यू आर गेटिंग रॉन्ग फिर से तो सुनो एक्वेटिक एनवायरमेंट में भी क्या होगा बेटा फ्रेश वाटर क्योंकि जो अमोनिया होगा ना एलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडिंग जाएगा और मरीन में तो पहले ही बाहर कंसंट्रेशन है तो कैसे मूवमेंट हो पाएगा तो कौन सा वाटर होगा भैया फ्रेश वाटर। फिर बोलो कमान एक्वेटिक में भी कौन सा फ्रेश वाटर क्लियर हो गया अब जरा देखो पोट्रोजेवा, उसके बाद पोरीफेरा फेरा सिलेंड्रेडा प्लेटी निमेटोडा एनिलिडा। ठीक है ना यहां तक यहां तक आपको एस्क्रिट्री ऑर्गन तो वैसे भी आपका एनिमल किंगडम पढ़ाया गया होगा लेकिन जरा देखो इनमें जो एस्क्रिट्री वेस्ट होता है यह कैसा होता है अमोनिया होता क्योंकि ये सब एक्वेटिक एनवायरमेंट में ज्यादा या कम पाए ही जाते हैं तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं थी इसके बाद करते हैं आर्थोपोडा में तो आर्थोपोडा थोड़ा सा एडवांस हो गया था याद करो टेरिस्ट्रियल फार्म में क्या पाया जाता था मालफीजियन टिब्यूल क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन में क्या पाया जाता था आपका एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड एनसीआरटी में दिया हुआ है फिर तो बोलो में दिया हुआ है तो आर्थोपोडा में थोड़ा सा बदलाव आ गया जैसे इंसेक्टा क्लास यानी काकरोच वाले ग्रुप में क्या पाया जाता मालफीजियन टिब्यूल्स ठीक है एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यूरिक एसिड कौन सी ग्लैंड बनाती है उसका नाम होता है यूरिकोज ग्लैंड ये भी आ चुका है आपका पीवाको में तो ये भी आपको याद होना चाहिए यूरिकोस ग्लैंड भी हेल्प करती है तो मालफीजियन टिब्यूल साथ ही साथ यूरिकोस ग्लैंड टेरेस्ट्रियल फॉर्म में पाया जाएगा खास करके इंसेक्टा में क्रस्टेशिया यानी झींगा वाला ग्रुप है प्रॉन वाला जो ग्रुप है ठीक है झींगा और प्रॉन वाले ग्रुप में क्या पाया जाता है बेटा आपका एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड ए एनसीआरटी टी की ही पार्ट होते हैं और याद रख लेना आपका जो एरेकनीडा यानी स्पाइडर वाला ग्रुप है मकड़ी वाला ग्रुप है इसमें कॉक्सल ग्लैंड पाया जाता है मैं ठीक है और सब में ये एक्चुअल बात है टेरेस्ट्रियल होते हैं इनको पानी की कमी होती है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैक्सिमम क्या होता है यूरकोटेलिक तो मेजर मेजर पॉइंट खाली याद करना फिर से बोलो प्रोटोजोवा टू एनिलिडा प्रोटोजोवा टू एनिलिडा क्या होगा अमोनोटेलिस इसके बाद आर्थोपोडा में पहला आएगा मालफीजन टिब्यूल्स इंसेक्टा में इसके बाद आएगा क्रिस्टेश में कौन एंटीनल या ग्रीन गर्ल्ड साथ साथ बोलते जाओ क्रिस्टेशन में कौन एंटीनल या ग्रीन गर्ल्ड फिर उसके बाद आता है आपका लास्ट में स्पाइडर यानी कि अरेक्नीडा ग्रुप वहां पे होता है आपका कॉक्जल ग्लैंड खत्म चलिए आगे बढ़ते हैं अब जरा देखो एनसीआरटी के भी अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो प्रोटोजोवा बॉडी सर्फेस से पोरीफेरा सिलेंड्रेटा जनरल बॉडी सर्फेस से प्लेटी हेलमेंटिस में आपका फ्लैम सेल पाया जाता है एनिलिडा में आपका नेफ्रीडिया पाया जाता है और आर्थोपोडा में आपका मालफीजन टिब्यूल पाया जाता है कॉक्जल हो जाता है स्पाइडर या स्कॉर्पियन किडनी पाया जाता है आपका वर्टिब्रेट में और एंटीनल और ग्रीन गन पाया जाता है क्रस्टेशियन लाइक लेकिन 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 एनसीआरटी थोड़ी सी एक लाइन अच्छी लिखती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है आपके लिए भी तो अगर हम एनसीआरटी में डॉक्टर लोग देखें ये वाला बात तो क्लियर हो जाएगा आपका कि प्रोसेस आप अमोनिया, इस काल बहुत तेजी से पढ़ हैं तो मैंने आपको क्या कहा था कि एक्वेटिक फार्म होना चाहिए और वो भी कौन सा फ्रेश वाटर तो जरा बताइए जो बोनी फिश होता है ये ज्यादातर किस हैबिटेट में रहता है फ्रेश वाटर की मरीन हैबिटेट फ्रेश की मरीन फ्रेश वाटर की मरीन बहुत तेजी जवाब दीजिए फ्रेश की मरीन फ्रेश वाटर की मरीन यस फ्रेश वाटर इसीलिए तो अमोनोटेलिज्म है इसीलिए तो अमोनोटेलिज्म है ठीक है ना तो एक्वेटिक फॉर्म में एक्वेटिक एम्फिबियंस यानी टैडबोल लार्वा भी हो सकता है इंसेक्ट और आपका बोनी फिश एक ऐसे होते हैं अमोनोटेलिज्म नेचर अमोनिया एज इट इज रेडली सॉल्युबल इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सर्फेस और थ्रो गिल सर्फेस इन फिश एज अमोनियम आयन और किस फॉर्म में इसका एक्सक्रेशन होता है एज अमोनियम आयन होता है और डायरेक्टली इसमें तुरंत अमोनिया बना और कहा जाओ बॉडी से बाहर बाहर जाओ जाओ या गिल्स के किडनी अब भैया बॉडी या गिल्स के थ्रो तुरंत बाहर चला जा रहा है तो यहाँ पे किडनी का कोई रोल ही नहीं रहा बना भागो भगा भगाओ क्योंकि इतना टॉक्सिक है और वाटर सालबुल इसको भगाते जाओ पानी कमी है नहीं लाओ पानी भेजते जाओ तो कहते हैं किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन दिस रिमूवल ए अच्छी लाइन मिली इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि किडनी इसमें अमोनिया के एज अ अमोनियम आयन जो कन्वर्जन होता है आपका होता है इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता है टेरिस्टियल नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट लाइक यूरिया अब जैसे हम ही लोग हैं अगर हम लोग अमोनोटेरिक होते तो हमेशा बॉडी से कहीं ना कहीं से या तो यूरिन निकलता रहता है कंटिन्यूस या तो बॉडीज कहीं ना कहीं पानी निकलता ही रहता तभी तो भैया जो अमोनिया इतना टॉक्सिक है बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते हो बना बन बना बन फेंकना पड़ेगा तो कितनी खराब लाइफ होती है इमेजिन कर सकते थे तो टेरेस्ट्रियल को वैसे ही पानी की कमी है तो जिंदगी किस में गुजर जाती पानी पीने में और पानी निकालने में राइट तो कहते हैं कि इसके रिमूवल के लिए नहीं होता भाई नहीं इसके रिमूवल के लिए आपको क्या चाहिए कि आपका थोड़ा सा लेस टॉक्सिक वेस्ट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होता है यूरिया तो हमारे में ऐसा होगा कि अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाएगा यूरिया में बनेगा अमोनिया उसका कन्वर्जन हो जाता है लीवर में इन यूरिया या यूरिक एसिड जैसा एडाप्टेशन होगा नॉर्मल पानी होगा तो यूरिया में और बहुत कम पानी होगा मतलब कि एकदम लीस्ट पानी होगा तो में हो जाएगा यूरिक एसिड में मैमस मीनी एम्फीबियंस एंड मरीन फिश अब देखो मरीन फिश में देखो एक वर्ड याद रखना मरीन फिश मतलब कौन सी फिश होती है फिश फिश मरीन में अमोनिया नहीं हो सकता था क्योंकि आपको पता था कि पानी तो दिख रहा है लेकिन पानी नहीं है कंसंट्रेटेड वाटर है मेनली यूरिया एंड कॉल्ड ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा तो याद रखिएगा एक फार्मूला भी लिख सकते हो क्यूबा क्या लिख सकते हो क्यूबा सी से हो जाएगा कार्टिलेजिनस मरीन फिश यू से हो जाएगा यूरियोटेलिक, बी से हो जाएगा बोनी फिश फ्रेश वाटर एस हो जाएगा अमोनोटेलिक ठीक है तो क्यूबा लिख सकते हो आप लोग क्यूबा सी से कार्टिलेजनस मरीन फिश यूरियाटेलिक बी से बोनी फिश अमोनोटेलिक चलिए अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कनवर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर ऑफ दीज एनिमल्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड विच इज फिल्टर्ड एंड आउट द किडनीज तो किडनी इसमें रोल प्ले करता है रिमूवल ऑफ यूरिया और अमोनिया का कन्वर्जन होता है यूरिया में कहां पे कहावर में ये भी क्वेश्चन बनता है और एक साइकिल होता है साइकिल वैसे पढ़ना भी नहीं है नाम उसका याद कर सकते हो ऑर्निथीन साइकिल और यूरिया बनता तो क्या नाम रखते थे यूरिया साइकिल ठीक है

रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट अब भैया इनको तो पानी की एकदम खतरनाक कमी है बर्ड्स हवा में उड़ रहा है कभी कभार आएगा जमीन पर पानी पीने तो पानी की इनकी खतरनाक कमी है यानी कि इनमें क्या होना चाहिए और कम पानी से जाने वाला यूरिक एसिड सॉलिड हो जाता है एस्क्रिड नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट या पेस्ट तो छोटे छोटे टुकड़े या पेस्ट के फॉर्म में करेंगे जबकि हमारा कैसा होता है फ्लूड होता है पानी नुमा होता है इनका थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाता है ये क्या हो गया एडॉप्टेशन टू कंजर्व वाटर विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर कॉल्ड यूरकोटेलिक तो भाई खत्म हो गया आपका अमोनोटेलिक में कौन कौन आएंगे मरीन फिश आएगा एम्फीबियन आएंगे इंसेक्ट आएगा खत्म ऐसे याद करो फटाक यूरोटेलिक में क्या हो जाएगा पहले अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में लीवर में साइकिल का नाम होता है और साइकिल या यूरिया साइकिल अब लीवर को जब उसने कन्वर्ट कर दिया यूरिया अब इसको किडनी के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है अब कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया किडनी के मैट्रिक्स में रख लिया जाता है ऑसमोल्टी को मेंटेन करने के लिए एग्जाम्पल हो गया यूरिया वाले जिनमें वाटर का बहुत ज़्यादा भी कमी नहीं है और बहुत अधिक भी वाटर नहीं है मीडियम है जैसे कि हम लोग मैमल्स हो गए जैसे कि आपका ट्रेस्ट्रियल एम्फीबियन हो गया इन सब में आपका क्या पाया जाता है यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन और मछलियों में कौन सा हो जाएगा मरीन कार्टिलेजिनस फिश मरीन कार्टे फिश में हो जाता है ध्यान रखना तो क्यूबा फार्मूला बताया मैंने कार्टेलाइजनस फिश में यूरियोटेलिक और बी से होता है बोनी फिश ए से होता है अमीनोटेलिक तो क्यूबा फार्मूला याद रखिएगा आप लोग सी से कार्टेजनस यू से यूरियोलिक बी से बोनी ए से अमोनोटेलिक अब पानी में तो यूरको तो होगा ही नहीं ठीक है अब इसके बाद आपका जब पानी की कमी ही कमी है सूखा सूखा जैसी फीलिंग आ रही है जैसे कि रेप्टाइल्स बर्ड्स लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट इनमें क्या होगा नाइट्रोजन वेस्ट यूरिक एसिड होगा यूरिकोटेलिक बोलेंगे और एक कंजर्वेशन ऑफ वाटर का एक मेथड होता है तो लॉस ऑफ वाटर बहुत कम होगा सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ एक्सटरी स्ट्रक्चर इन मोस्ट ऑफ द

और प्लेटी हेलमेंथिस में बेटा आपका क्या आता था, था? प्रोटोनेफ्रीडिया दूसरा नाम होता था फ्लैम सेल्स और जब आप एनिमल किंगडम पढ़ते थे तो प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लैम सेल कहां पढ़ते थे खाली में बस नाम याद किया छोड़ दिया लेकिन यहां पर जो लिखा है वो, वो जादू है देखो क्या क्या है आर द दिटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटी हेलमेंथिस नो डाउट सबको पता होता है लेकिन ये देखो लिखा क्या रोटी फर्स में भी

इसके अलावा कुछ एनएलिडा में पाया जाएगा और सिफेलो कॉडेटा में भी पाया जाएगा ठीक है शिवांगी कर देंगे जैसी आ गया और सिफेलो कॉडेट आपको याद होगा वर्टिब्रेटा का सब डिवीजन होता है यानी वर्टिब्रेट्स में आप सॉरी कॉर्डेटा का सब डिवीजन होता है जिसमें आता है यूरोडेटा सिफेलो कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा ठीक है उसमें से जो आपका सिफेलो कॉर्डेट होते हैं जहां पे नोटोकार्ड हेड टू टेल पाया जाता था सिफलन मतलब होता है हेड या ब्रेन यानी हेड टू टेल पाया जाता था और उसका एग्जाम्पल था एम्फी ऑक्सिस दूसरा नाम था लेंसलेट तीसरा नाम आप बताइए चलिए बताइए जल्दी बताइए आगे बढ़े तीसरा नाम आप बताइए तीसरा नाम आप बताइए यस यस मनीष प्रजापति यू आर राइट बेटा ब्रैंकियोस्टोमा नहीं अंबाती राइड क्या कर तुम लोग एक गड़बड़ करते हो बहुत पीटे जाओगे गलत बात है वेरी बैड ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे गलत बताओगे आपको गलत बात है सॉरी बोलो खुद से और आज एनिमल किंगडम फिर से पढ़ो एम्फीऑक्सिस लैंसलेट या ब्रैंकियो स्टोमा फिर से तो बोलो एम्फीऑक्सिस लैंसलेट या अरे फिर पेट्रोमाजॉन लिख रहे पेट्रोमाइजान हो गया हो गया मिग्जाइन ये सब साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर हैं लिखा क्या है आप सिफेलो का डेटा ओके रंगरेज ठीक है तो बेटा प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लैम सेल्स आर द्रिटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटी हेलमेंथिस फ्लैट वर्म एग्जाम्पल प्लेनेरिया तो बेटा ये आपको एग्जाम्पल जो एडिशनल है ना ये याद होना चाहिए मे भी पूछ लेगा तो इंपॉर्टेंट है इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा अब आगे बढ़ते हैं आपको पता होगा कि यहां पे एक्चुअली जो वाटर और साल्ट दोनों का बैलेंस क्या करते हैं मेंटेन करते हैं और एक्सक्रिटरी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं तो एक्सक्रीशन सिंपल टर्म है इसमें क्या करते हैं जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसका रिमूवल होता है लेकिन आसमो रेगुलेशन एक ब्रॉड टर्म है जिसमें एक्सक्रीशन भी शामिल हो जाएगा यानी रिमूवल के साथ साथ बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट बैलेंस करना भी इसको बोलते हैं आसमोरेगुलेशन आसमो मतलब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन रेगुलेशन मतलब उसको नियंत्रण करना तो जो एस्क्रिटरी स्ट्रक्चर है एक्चुअली ये एक कैसे ऑर्गन होते हैं आसमोरेगुलेट्री ऑर्गन होते हैं ये बात याद रहना चाहिए ठीक है नेफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर एस्क्रिटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म एंड अदर एनिलिट्स तो आप कहोगे सर नेफ्रीडिया अगर पूछा जाए कि किसका तो नो डाउट आप बता सकते थे एनलिडा एन अर्थवॉर्म का लेकिन अगर पूछा जाए कि सम एनिड्स में प्रोसेस प्रोटोनेफ्रीडिया क्या यह बात सही है कि गलत सही है अकॉर्डिंग टू योर एनसीआर और सही भी है वैसे भी नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन ऑफ फ्लू एंड आयनिक बैलेंस मालफीजन ट्यूबुल्स आर द एस्क्रिटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉक्रोचेस माल्फिजन टिबूल हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड ऑसमोरेगुलेशन सिंपल सा एग्जाम्पल खाली याद करेंगे मालफीजन टिबूल किसका है अब देखो ये जो आपको बताया था मैंने एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड ए होता है आपका किसमें बेटा क्रिस्टेशम लाइक प्रो और एक और यहां पर आ गया पूछा गया था कॉगजल ग्लैंड ये हो जाएगा आपका स्पाइडर एंड स्कॉर्पियो स्पाइडर एंड स्कॉर्पियो क्लियर ठीक है इतना तो आपको याद होगा चलिए आगे बढ़ते हैं ह्यूमन एस्क्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन द एस्कटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी किडनी कितने होंगे भैया दो होंगे तभी तो कहते भगवान ने दो किडनी दिया है जिंदगी जिए जाओ एक खराब हो गई दूसरे जी लेते हैं बहुत लोग कहते हैं ना वन पेयर ऑफ यूरेटर अब हर किडनी से एक ट्यूब निकलती है उसका नाम होता है यूरेटर तो एक से निकला दूसरे से निकला यानी कि पेयर में ये भी होगा अब ये दोनों ट्यूब एक थैली में खुलती है उसका नाम होता है यूरेनरी ब्लेडर एक थैली होता ध्यान रखना अ अयूरेनरी ब्लेडर तो लैंग्वेज भी बड़ा ध्यान दिया करिए कि देखो लिखा अ पेयर ऑफ किडनी वन पेयर ऑफ यूरेटर अ यूरेनरी ब्लेडर यानी एक है सिंगल है और यूरेनरी ब्लेडर से एक ओपनिंग निकलेगी एक ट्यूब निकलेगी उसको बोलेंगे यूरेथ्रा वो भी होगी सिंगल तो क्या बोल देंगे उसको अ अयूरेथ्रा जरा डायग्राम देखो पेयर ऑफ किडनी इससे ट्यूब निकला इसको बोलेंगे आप पेयर या वन पेयर यूरेटर किसमें खुला एक थैले में जिसका नाम था यूर कितना था सिंगल और यहां से जो ओपनिंग निकली यूरेथ्रा के थ्रू आपका यूरिन बाहर जाएगा यूरेनरी ब्रेडर से इसको बोलेंगे सिंगल ये भी क्या है बेटा आपका यूरेथ्राउंड <laughs> जरा बताइए क्लियर हो गया यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़े बेटा तुम इसी चक्कर में पड़े रहोगे सौरभ एलन अपना डॉक्टर बनना तुम खाली यही देखते रहना चलिए आप किडनी का जरा सकल देख लो देखा होगा सभी लोगों ने अगर जो नॉन वेजिटेरियन होंगे सब ने किडनी देखा होगा बोलो देखे हो कि नहीं देखे हो देखे हो आप तो कैसा होता है रेडिस ब्राउन होता है बीन सेब्ड होता है स्ट्रक्चर जो राजमा चावल देखे हो राजमा उसकी तरह होगा सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक मतलब कि कौन हो गया टी ट्वेल्व ट्वेल्व थोरेसिक एंड थर्ड लंबर मतलब कि एल थ्री ये तो आज शुरू में ही बता दिया था आपका टी ट्वेल्व एंड एल थ्री के लेवल पे होता है एंड क्लोज टू द डार्सर इनर वॉल ऑफ द एबडामिनल कैविटी भैया एबडामन का क्या हो गया वेंट्रल और ये क्या हो गया डार्सल साइड एबडामनल कैविटी का क्या हो गया ये वेंट्रल और कौन होगा डार्सल तो बाहर तो होगा नहीं अंदर होगा तो डार्सल साइड पे इनर वॉल ऑफ एबडामनल कैविटी ठीक है ना क्लियर अरे बोलो यार क्लियर अब जरा साइज देख लो ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स लेंथ होता बेटा 10 से 12 सेंटीमीटर विड्थ फाइव टू सेवन और थिकनेस टू टू थ्री सेंटीमीटर ये डेटा बेटा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद होना चाहिए बढ़िया है बेटा तुम्हारा यही कल्याण हो कल्याण भवन तो ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट तुम एक क्लास में हो फिर दूसरे क्लास में मस्ती करने आए हो भगवान आपको ऐसे ही मस्ती करते रहें <laughs> मजा आ गया हमको भी थोड़ा सा एंजॉय हो गया चलो दस से बारह पांच से सात दो से तीन दस से बारह सेंटीमीटर लेंथ आपको आगे चल के जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे ना तो वहां पे आएगा 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है फेलोपियन ट्यूब की चार लिख लो बगल में तो दो डेटा एक जैसे हैं याद कर लो फेलोपियन ट्यूब की लेंथ भी कितनी होती है लेंथ ऑफ फेलोपियन ट्यूब ये भी होता है बेटा 10 से 12 सेंटीमीटर ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट हो गया इंपॉर्टेंट है बगल में लिख लो क्या बुराई है तो दस से बारह सेंटीमीटर लेंथ हो गया फाइव टू तो सेवन सेंटीमीटर विथ हो गया दो से तीन सेंटीमीटर इसका हो गया थिकनेस और एवरेज वेट हो गया एक सौ बीस से एक सौ सत्तर ग्राम टूवर्ड देंटर ऑफ द इनर कान सर्फेस ऑफ द किडनी ज आर नॉट कॉल्ड हाइलम थ्रो विच आ यूरेटर ब्लड वेसल एंड नर्व इंटर ये बड़ी खतरनाक लाइन मिली आपकी हाइलम वर्ड आपने प्लांट में पढ़ा था तो कहते थे एक गड्ढा गड्ढा जैसे सीड में दिखता है या चना देखो तो उसमें एक डिप्रेशन दिखेगा उसको क्या बोलते थे हाइलम तो ऐसे ही किडनी के इनर कान केव सर्फेस इधर अंदर साइड जो कान सर्फेस है एक गड्ढा बना इसको बोलते हैं हाइलम और इसी हाइलम से जरा देखिए आपके ब्लड वेसल्स और यूरेटर क्या कर रहे हैं इंट्री मार रहे हैं किडनी में तो क्या क्लियर हो गया इनर कानकेव सरफेस पे अगर भाई तुम बीन नुमा स्ट्रक्चर बनाओ तो बीन नुमा स्ट्रक्चर बनता तो एक बनताव हो गया जो नौच है जो गड्ढा है दिस इज कॉल्ड नोच हाइलम और इसी के थ्रू यूरेटर ब्लड वेसल एंड नर्व एंट्री करते हैं इनर टू द हाइलम अब हाइलम के अंदर जाओ जरा जब ब्रॉड फनल सेव्ड स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शन कॉल्ड केलाइसिस अब जरा देखो तुम लोग एनसीआरटी को बाद में देखना पहले हम खुद बनाए तो जरा देखो ये नौ चुनामा स्ट्रक्चर हुआ यहीं से आपका क्या निकला होगा ये यूरेटर निकला होगा ये हो गया आपका यूरेटर बाकी ब्लड वेसल वगैरह आपके डायग्राम में दिख रहा है जो एंट्री मारा होगा ठीक है अब जब ये आपका अंदर जाओगे हाइलम के अंदर घुसोगे तो यहां पे एक ब्रॉड फनल स्ट्रक्चर है ब्रॉड है चौड़ा सा है नुमा स्ट्रक्चर है जिसका नाम होता है रीनल पेल्विस क्या नाम होगा बेटा आपका रीनल पेल्विस जहां से देखना अब जरा देखो ये रीनल पेल्विस हमने ऐसे नॉर्मल टाइप का बना दिया ऐसे जैसे कॉन्टिन्यूस लेकिन एक्चुअली ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता कॉन्टिन्यूस नहीं होता इसमें क्या होते हैं छोटे 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 प्रोजेक्शन निकलते हैं जिसको बोलते हैं कैलिक्स सिंगुलर होता है कैलाइस जरा देखो कैसे होगा फिर कुछ इस प्रकार होना चाहिए ये देखो एक छोटा सा प्रोजेक्शन फिर हो सकता है ए प्रोजेक्शन ठीक है कुछ ऐसा तो क्या निकले बेटा कैलिक्स प्रोजेक्शन होते हैं ठीक है तो रीनल प्लेविस ब्रॉड फनल से स्ट्रक्चर होगा इसके बाद इसमें छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं जिसको कहते हैं कैलाइसिस सिंगुलर होता है कि प्लूरल जरा बताइए कैलाइसिस आपका सिंगुलर होता है कि प्लूरल बहुत तेजी से जवाब दीजिए यस yes, प्लूरल और कैलिक्स होता है आपका सिंगुलर अब आप देखो प्रोजेक्शन जरा देखो ये दोनों देखो ये ये, ये तो माइनर है छोटे छोटे प्रोजेक्शन है इसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स और दोनों मिल जाएंगे तो एक देखो बड़ा सा प्रोजेक्शन बनेगा जिसको बोलेंगे मेजर कैलिक्स ये माइनर मेजर आपकी एनसीआरटी नहीं लिखती लेकिन बहुत बड़ी टर्म नहीं है ठीक है ना तो जो छोटे छोटे प्रोजेक्शन होंगे उसको क्या बोलोगे माइनर कैलिक्स और जब छोटे मिलके एक बड़ा बन गया तो उसको क्या बोलोगे मेजर कैलिक्स तो कोई बड़ी बात नहीं, नहीं है ठीक है अब इस कैलाइसिस में आपका एक मेडुला होता है और इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड होता है कलर चेंज कर देते हैं मेडुला लगा होता है इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड जिसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड क्या बोलते हैं भैया है? मेडुलरी पिरामिड अब किडनी को अगर देखो या किसी भी स्ट्रक्चर को आप लोग हमेशा कितने भागों में बांटते दो भागों में एक भाग होता आउटर और एक होता है इनर तो जरा बताइए आउटर हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं कहीं पे भी जरा देखो ओवरी देख लो किडनी देख लो आउटर यस आउटर कॉटेक्स हो जाता है तो और इनर क्या होता है मेडुला इनर क्या हो जाता है मेडुला चलो तो जरा लाइन पढ़ ले फिर देखते हैं तो रीनल पेल्विस पेलविथ प्रोजेक्शन द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ अब बाहर से अगर किडनी को देखोगे तो टफ कैप्सूल से घिरी होती मजबूत लेयर से घिरी लेती है इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन दो जो होता है एंड आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला बाहरी वाला कॉटेक्स और अंदर वाला क्या होता है बेटा मेडुला अब कहते हैं मेडुला कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर नहीं है द मेडुला इज डिवाइडेड इंटू फ्यू कोनिकल मास कौन नुमा मास होता है कुछ इस प्रकार का ऐसा तो कोनिकल मास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मडलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टिंग इनटू द दैलाइसिस किसके पास होता है कैलाइसिस के पास, पास पाया जाता है मडलरी पिरामिड्स तो अगर देखो ये आपका कैलाइसिस है तो यहां पे देखो ये आपका क्या हो गया मडलरी पिरामिड्स चलिए कैलाइसिस प्लुरल हो गया सिंगुलर देखो लिखा है कैलिक्स कोटेस एक्सटेंड बिटवीन renal पिराज रीनलम ऑफ बर्टनी जरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं और ब्रॉडल फनल लैक स्ट्रक्चर हो गया आपका रीनल पेलविस अब देखो रीनल पेल्विस जब आगे बढ़ा बेटा ये अगर हम बढ़ाए आगे तो ये देखो छोटे छोटे माइनर प्रोजेक्शन और ये मेजर प्रोजेक्शन हुए जिसको बोलते हैं कैलिक्स या कैलाइसिस और इसी पे देखो तुम्हारा कॉनिकल मास रखा हुआ है जिसका नाम है मेडलरी पिरामिड्स क्या नाम है भैया मेडलरी पिरामिड्स और ये बाहर वाला रीजन ये वाला रीजन ये वाला रीजन क्या है कॉर्टेक्स लेकिन आप देख रहे हो ये जो कॉर्टेक्स नुमा स्ट्रक्चर है ये जगह जगह मेडुला में धस गया है मेडुला कॉन्टिन्यूस नहीं है क्योंकि पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर इसीलिए बना था कि कॉर्टेक्स किस में धस गया था मेडुला में जैसे मान लो अगर मैं तुमसे कहूं कि देखो बेटा ये ऐसे पूरा मेडुला कॉन्टिन्यूस रहा होगा ऐसे पूरा कंटिन्यूस मेडला रहा होगा अब यहां से देखो कॉटेस घुस गया इसके अंदर 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 कॉर्टेस घुस गया कॉटेस घुस गया, गया तो जगह जगह पे मेडुला क्या हो गया डिवाइडेड इन पिरामिड फॉर्म क्लियर तो मेडुलरी पिरामिड जो बना है एक्चुअली ये रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी के कारण ही बना है तो क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ा कि जो रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी होता है ये किसका एक्सटेंशन होता है किस में तो बाहर वाला अंदर घुस जाता है बाहर क्या होता है कॉटेक्स अंदर क्या होता है मेडुला याद करते हैं हम लोग याद ना करो बाहर वाला अंदर मेडुला कैसा हो गया कॉनिकल तो जैसे मान लो अगर आपको भी कोई आटे का एक गूथा हुआ स्ट्रक्चर दे दे तो वहां पे जगह, जगह जगह पे ऐसे ऐसे अगर फिंगर कर दोगे तो एक मास ऑफ कॉनिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड बताओ क्लियर हो गया आगे बढ़ जाए

फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी से जरा देख लेते हैं बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन तेजी से खत्म करना है चलिए आगे बढ़ जाइए. ये चैप्टर थोड़ा सा लेट हो जाता है तो आप लोगों को लगता है कि सर आराम से वाइज करें इसलिए हम करा रहे नहीं तो अब तक हम खत्म कर देते हैं इसको चलिए कोई बात नहीं आप हमारे साथ बने रहिए दो दिन में खत्म होगा तब भी किडनी हैज नियरली वन मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन्स हर किडनी में कितना होता है बेटा एक मिलियन देखो भैया ईच वर्ड को अंडरलाइन करना यानी किडनी होते हैं दो तो हर किडनी में कितने मिलियन नेफ्रॉन होते हैं वन मिलियन नेफ्रॉन विच आर द फंक्शनल यूनिट अब हर नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं दो पार्ट हर नेफ्रॉन के कितने पार्ट भैया दो पार्ट पहला पार्ट होता है ब्लड का पहला पार्ट होता है ब्लड का गुच्छा कैसे तो बोलो ब्लड का गुच्छा ज कॉल्ड ग्लोमरलस गुच्छा ग्लोमरलस एंड द रीनल टिब्यूल तो नेफ्रॉन के दो पार्ट ब्लड का गुच्छा कॉल्ड ग्लोमरलस और एक ट्यूब होता है उसको बोलते हैं रीनल टिब्यूल अब जब लिखा है ग्लोमरलस इज अ टफ कैपेलरी टफ्ट मतब गुच्छा टफ्ट मतलब गुच्छा ठीक है टफ्ट ऑफ कैपेलरी फॉर्मड बाई एफरेंट आर्टेरियोल फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी ब्लड फ्रॉम द ग्लोमलस इज कैरीड अवे बाई एन ईफरेंट आर्टेरियोल ये डायग्राम जरा देखिए तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा ये देखिए जो एक गुच्छन हुआ स्ट्रक्चर है यह है आपका ग्लोमरलस ठीक है ना टफ कैपेलरी इज कॉल्ड ग्लोमरलस और कैपेलरी बनेगी किससे बनेगी या तो आर्टरी या तो से तो जो ब्लड को ऑर्गन की तरफ लाता हो क्या होता है आर्टरी क्या होता है आर्टरी और मोटी आर्टरी को अगर पतले आर्टरी में बदलते हैं तो क्या बोलते हैं आर्टेरियोल तो आपको उस दिन बताया था मैंने योटा आर्टरी आर्टेरियोल देन कैपिलरी ये तो बताया था तो ब्लड लेके आने वाला स्ट्रक्चर क्या होगा आर्टरी या होगा या आर्टेरियोल होगा या तो योटा होगा तो रीनल आर्टरी की एक ब्रांच होती है फाइन पतली सी ब्रांच है तो क्या बोलोगे आर्टेरियोल और ये जरा बताओ टिबुल में एंट्री मार रही है टिबुल में एंट्री मार रही है तो कह रही आओ आओ और जो चीज स्ट्रक्चर आता है उसके लिए ए वर्ड होता है ए मतलब आना या तो कौन सा आर्टेरियोल बोलोगे इसको एफरेंट आर्टेरियोल क्या बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल अब यही से जरा देखो यही से कैप्लरी बना और आर्टेरियोल के जरिए ही निकला लेकिन ये निकलने वाला था निकलने को क्या बोलते हैं बच्चा एग्जिट क्या बोलते हैं एग्जिट तो इसको क्या बोल दोगे क्या बोलोगे ई फ्रेंट आर्टेरियोल क्लियर तो एक हो गया एफ्रेंट आर्टेरियोल और एक हो गया तुम्हारा ई फ्रेंट आर्टेरियल कमान 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 जरा बताइए बात क्लियर हुई तो रीनल आर्टरी की ब्रांच हुई पतली सी तो आर्टरी का बच्चा क्या होता पतला सा आर्टेरियोल इंट्री मार रहा है तो एफरेंट बाहर जा रहा है एग्जिट कर रहा है तो इफरेंट और गुच्छा बनाया दैट इज ग्लोमरुलस चलिए लैंग्वेज पढ़ते हैं हम। द रीनल ट्यूब्यूल बेगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बायोमस कैप्सूल अरे वाह अब उसके बाद ये जो गुच्छा है ना तो भाई गुच्छा ऐसे लटकेगा क्या हवा में नहीं इसको जैसे हाथों के लाओ मुझे गुच्छा दो मेरे हाथ में कोई गुच्छा अगर पकड़ना होता तो कैसे पकड़ते हो ऐसे हाथ में पकड़ते हो ठीक है अंगूर का गुच्छा दो ठीक है तो कहने का मतलब होता है जो बॉमस कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें ग्लोमुरस पड़ा रहेगा ठीक इस प्रकार जैसे देखो ये कप नुमा स्ट्रक्चर है इसी में ग्लोमुरस पड़ा हुआ है अब जरा इस कप नुमा स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूं तो बच्चों जरा तुम अपने दिमाग लगा के खुद देखो कि ये सिंगल लेयर है कि डबल लेयर है तो डबल वॉल है एक देखो आउटर और ये देखो ये अंदर वाली ये हो गई इनर वाल तो एक हो गया आउटर वाल और एक हो गया इनर वॉल तो डबल वॉल लेयर होती है एक आउटर होती है और एक इनर होती है ठीक है अब जरा तुम अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन बनता है कि कौन सी वाल छिद्रनुमा होगी छेद होगी तो खुद बताओ ब्लड छनेगा गोलमरल से और बायमल घुसीगा के ट्यूब के अंदर तो जरा बताओ कौन सी वाल छिद्र वाली होनी चाहिए पोर नुमा होनी चाहिए स्लिट होना चाहिए बताइए किस वार में इनर की आउटर वाल किस में होगा छिद्र यानी स्लिट या पोर यस ऑफ कोर्स इनर में होगा याद क्यों करना तो इनर वाल में क्या होते हैं स्लिट पोर्स होते हैं छिद्र होते हैं जिसके कारण से जब भी कैपिलरी से जो भी ब्लड छनेगा वो कहां चला आएगा तुम्हारा इस छिद्र के जरिए इस ट्यूब के अंदर ठीक है तो कौन सी वाल होती है इनर वाल अब जरा देखो इनर वाल बड़ी खतरनाक अभी आगे भी आएगी चलो चलो देख लेते हैं तो भैया डबल वाल स्ट्रक्चर होता है देखो लिखा है आउटर एंड इनर वाल तो लिखा है डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बॉमेंस कैप्सूल विच इनक्लोजेस जो घेरे रहता है ग्लोमरलस ग्लोमरलस एलोंग विद बॉमस कैप्सूल अब बॉमस कैप्सूल जो कप है और उसके अंदर रखा हुआ यानी कैपिलरी का गुच्छा दोनों को मिला के एक स्ट्रक्चर बोलते हैं उसका नाम होता है मालफीजियन बॉडी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहा ठीक है ना तो ग्लोमरल एलोंग विथ बॉमस कैप्सूल इज कॉल्ड द मालफीजियन बॉडी या रीनल कारपसल दोनों नाम याद होना चाहिए भैया दोनों नाम याद होना चाहिए तो जरा बता देना स्पीड तेज करना होगा तो बोल देना कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं बोल करना होगा तब भी बोल देना तो डिब्यूल कंटिन्यू फर्दर अब भैया जो बाउमस कैप्सूल के, के बाद टिबूल आगे जाएगी तो शुरू में जो होती है थोड़ी सी लहरदार होती है घुमावदार होती है तो जो घुमावदार लहरदार होता है इसके लिए टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं कॉन्वलेशन घुमावदार है कॉनवलेटेड है ठीक है अब जरा देखो इस डायग्राम में वह घुमावदार पार्ट जो बाउमन कैप्सूल के पास था तो पास के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हो प्रोक्मल की डिस्टल कौन सा वर्ड फटाक से बोलो प्रोगल की डिस्टल जल्दी बोलो भाई खत्म ही हो चुका है बहुत ज्यादा नहीं बचा है आपका यस प्रोगिमल और घुमावदार है तो इसका नाम क्या रख देते बेटा पीसीटी यानी प्रोजिमल कन्वोलेटेड टिबूल इसका कोई स्पेशल नाम नहीं हुआ घुमावदार हुआ तो कन्वोलेटेड बोला गया और समीप था तो क्या बोला गया पीसीटी अब जरा देखो एक दूर जाके ये ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए फिर यहां पहुंचे बहुत दूर है और यहां पे भी घुमावदार हो जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल क्या बोलेंगे दूर वाला है तो डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल और एक बात बताओ ये घुमावदार क्यों हुआ क्यों इसमें ऐसे ऐसे लहरदार या घुमावदार क्यों बना कोई बता सकता है ऐसे भी हो सकता था नॉर्मल लंबाई वाइज क्यों ऐसे, ऐसे 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 लहरदार बना सरफेस एरिया बढ़ाएगा यस सरफेस एरिया यानी यहां पे हपक के क्या होगा एब्जॉर्सन होगा क्या होगा हपक के क्या होगा एब्जॉर्सन होगा और सबसे ज्यादा कहां पर होता है प्रोजिमल में फिर उसके बाद आपका डिस्टल में ऑन सिचुएशन जैसे जरूरत होगी वैसा होगा ठीक है तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं आप देखो प्रोक्सिमल और डिस्टल कन्वर्टर जब आपका एक हेयर पिन यू सेव स्ट्रक्चर होता है ठीक है हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप अब जरा देखो ए इसमें से ऐसे ऐसे डायरेक्शन दिख रहा है अरे ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा है तो अंदर का जो फ्लूड है नीचे की तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे नीचे की तरफ जाने वाला तो बोलते हैं डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले और ऊपर की तरफ जाने वाले को क्या बोलते हैं असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले ठीक है तो इसको बोलते है, हैं लूप अब इसके बाद एक और स्ट्रक्चर होता, होता है जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग ट्रिब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट एक्चुअली जो कलेक्टिंग ट्रिब्यूल होता है यहां से जरा देखो डीसीटी जुड़ा होता है इधर से दूसरे नेफ्रॉन का डीसीटी जुड़ा होगा इधर से तीसरे नेफ्रॉन का डीसीटी जुड़ा होगा तो कई सारे नेफ्रॉन का डीसीटी आके एक ट्यूब में जुड़ जाता है जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ठीक है हेयर पिन सेव्ड हेनलेज लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टिब्यूल विच हैज डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्प

यूरिन हमारे ट्यूब में डालो ऐसे ढेर सारे डीसी ट्यूब आपका कलेक्टिव ट्यूब्यूल होंगे वो कहाँ खुल जाएंगे आपका रीनल पेल्विस में तो टुक टूक टूप क्या होगा यूरिन बनता रहेगा ठीक है ना तो इसका मतलब अगर मैं एक लाइन बोल दू कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ये सही होगा कि गलत होगा कलेक्टिंग ट्रिब्यूल इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफरान ये बात सही होगी गलत होगी चलो भैया क्या आज इतनी नाराजगी कि लाइक भी नहीं दे रहे होस राइट तो ये सही है नहीं नहीं सही है नेफरान का पार्ट नहीं होगा तो क्योंकि कई सारे निफ्रान आके जिसमें खुलते हैं ट्यूब में उसका नाम होता है कलेक्टिंग ट्रिब्यूल ठीक है ना तो यहाँ पे देखो लाइन भी लिखा द डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मेनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपनस इनटू द रीनल पेल्विस सब किस में खुल जाएंगे भैया रीनल पेल्विस में और क्या करेंगे जहां से आपका मेडुलरी पिरामिड के जरिए जाएंगे और क्या करेंगे आपका रीनल कैलिसिस फिर उसके बाद रीनल पेल्विस जैसे ये वाला स्ट्रक्चर देखो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तो इसको मान लो कि आपका नफरान का एक पार्ट है तो ये सब क्या मान लो कलेक्टिंग ट्रिब्यून नुमा मान लो तो ये क्या करेगा यूरिन को किस में भेजेगा आपका पहले कैलाइसिस में फिर कैलाइसिस से कहां चला जाएगा रीनल पेल्विस में ठीक है हाँ दो बार मत लाइक कर देना जो उसमें आ जाओ सर हमने दो बार कर दिया हाँ दो बार मत करना भाई एक ही बार करिएगा आप कहोगे सर दो बार क्यों नहीं तो समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं द मालफिगियन कॉर्पसल पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन देखो कहां तक गया खाली डीसीटी तक आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी वेयर द लूप ऑफ फेनलेट डिप्स इनटू द मेडुला अब कहा जाता है अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं जरा बेटा देखो यहां पे तो ये वाला पार्ट ये वाला बोमनस कैप्सूल ग्लोमेरुलस पीसीटी और डीसीटी ये कहां पाया जाता है कॉर्टेक्स में और मडला रीजन में खाली क्या पाया जाता है लूप पाया जाता है क्लियर कोई बात नहीं भाई कुछ कर दो कोई दिक्कत नहीं है इतना हमको थोड़ी ना सोचना पड़ता है तो द मालफिजन द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी वेयर एज द लूप ऑफ हेनले डिप्स इन टू द मडला बड़ा खतरनाक पॉइंट है भाई यहाँ पे तो इन मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेल्ले इज टू शॉर्ट आप कहते हैं कि पीसीटी सी बॉमस कैप्सूल और आपका डीसीटी सब कॉर्टेक्स में है और कॉर्टेक्स के ऊपर पार्ट में है तो ऐसे में क्या हो जाता है कि हेनले लुप तो मिडलम रहेगा कॉर्टेक्स में नहीं आएगा लेकिन हेनले लुक थोड़ी सी छोटी हो जाती है शॉर्ट हो जाती है और ऐसे नेफ्रॉन को हम लोग बोलते, है, बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में ज्यादा ज्यादातर ऊपरी पार्ट में पाया जा रहा है इसलिए कॉर्टिकल बोलते हैं एक्सटेंड वन ली वेरी लिटिल इन टू दिडला सच नेफर आर कॉल्ड कार्टिकल ने मेजोरिटी लिखने का मतलब जरा बताओ कौन सा नेफरॉन ज्यादा होगा कॉर्टिकल की जक्सटा मेडुलरी कॉर्टिकल की जक्सटा मेडुलरी कौन सा नेफरॉन ज्यादा होगा कॉर्टिकल की जक्सटा मेडुलरी रीजनल कॉलन ऑफ बटनी पूछेगा बस यस yes, कॉर्टिकल तो कहते हैं लगभग लगभग एटी फाइव परसेंट तक बेटा आपका कौन सा नेफ्रॉन होता है कॉर्टिकल मेजोरिटी है इन सम ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग एंड रल्स डीप इन टू द मेडुला इसको हम लोग बोलते हैं जक्स्टा मेडलरी नेफ्रॉन तो मेरा क्वेश्चन है इन जक्स्टा मेडलरी नेफ्रॉन पीसीटी डीसी और बॉमेंस कैप्सूल कौन से रीजन में पाए जाएंगे कॉर्टेक्स की मेडुला पीसीटी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन किस रीजन में पाए जाएंगे जल्द बताओ हा नहीं, नहीं नहीं मेडुला नहीं यही तो गड़बड़ कर दिया चाहे कॉर्टिकल हो चाहे जक्स्टा मेडुलरी हो दोनों में कहा पाए जाएंगे कॉर्टेक्स में ही पाए जाएंगे गड़बड़ मत कर देना और इसका परसेंटेज कम होता है दस से पंद्रह परसेंट होता है कम होता है जरा एक स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी ये वाला पॉइंट देख लो तो जरा देखो ये जरा देखना 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 तो देखो यहां से ये जो बाउंड्री लाइन होगी ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया कॉटेक्स और ये क्या हो गया मेडुला ठीक है हाँ कर रहे भाई फिर से तो जरा देखो आपका कॉर्टिकल पार्ट में जरा देखो आपका पीसीटी डीसीटी और आपका बाउमंस कैप्सूल किस पार्ट में पाया जा रहा है आपका भैया कॉर्टेक्स पार्ट में यहां पे भी देखो जस्टा मेडुलरी में भी देखो PCT, DCT और पा जा रहा? पार्ट में। सिर्फ लूप कहां पाया जाता है मेडुला तो को में इसीलिए है, है।, है लेकिन ये ऊपर पूरा कॉटेक्स को घेरे पड़ा इसलिए है इसलिए कॉर्टिकल बोलते हैं और ये भी ये भी सब कॉर्टेक्स में ही पाया जाएगा लेकिन मेडुला के पास वाला जो कॉटेक्स होता है उसमें पाया जाता है इसलिए बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी यानी मेडुला के पास ठीक पास वाले कॉर्टिकल रीजन में आपका पीसीटी डीसीटी और आपका बॉमेंस कैप्सूल पाया जाएगा लेकिन पाया दोनों किसमें जाता है कॉर्टेक्स में ये अपर थोड़ा चला जाता है लोअर और जरा देखो अपर जाने की वजह से हेनले लूप क्या हो जाती है छोटी और ये लोअर आ गया तो हेनले लूप क्या हो गई बड़ी बताओ क्लियर तो जक्स्टा मतलब समझ आया जक्स्टा मेडुलरी मेडुला के पास किसमें किस में? में क्लियर तो मेडुला के ठीक बगल वाले कॉर्टेक्स में हाँ बहुत अच्छा बताया आशीष बच्चा ठीक बगल वाले कॉर्टेक्स में आपका पाया जाएगा पीसीटी कैप्सूल और डीसीटी अरे अपर कॉर्टेक्स में पाया जाएगा इसलिए जरा बताओ कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या हो जाता है हेल्ले लूप शॉर्ट हो जाएगा और इसमें लॉन्ग हो जाएगा ठीक है ना बोलो 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 यस जक्स्टा मतलब ठीक पास ठीक बगल में क्लियर हो गया आगे बढ़ जाए आगे बढ़ जाए ले लो भैया ले लो जल्दी हम हट गए चलिए देरी ना करते हुए आए आपके एनसीईआरटी में तो जैसे ही हम एनसीआर में आते हैं तो आपको देखने में यह लग गया कि यह सब बातें हमने आपको क्लियर कर दिया परसेंटेज भी बता दिया द एफरेंट आर्टेरियोल जो इफरेंट आर्टेरियोल होता है इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमल फॉर्म ऑफ फाइन कैपेरी नेटवर्क अराउंड द रीनल टिब्यूल कहते हैं ये जो आपका इफरेंट आर्टेरियोल होता है जब बाहर निकलता है ना तो जो रीनल टिब्यूल था उसमें क्या हो जाता है लपेट जाता है

अरे भैया अभी मैंने बताया कि कॉर्टिकल नेप्रॉन में जब हेनले लुक बहुत छोटी सी बनेगी तो उसमें वासा रेक्टा कैसे बन पाएगी और बनेगी भी तो बहुत छोटी सी बनेगी कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ठीक है जरा ये डायग्राम देख लो इस डायग्राम में जरा देखो तो जरा यहां पे पहले देखते हैं तो जरा देखो ये इफ्रेंड आर्टिबुल जब बाहर निकला तो ऐसे नहीं चला गया क्या किया रीनल ट्यूब्यूल से क्या कर लिया गुत्थम गुत्थी कर लिया चारों तरफ घूम फिर गया तो क्या बोला गया इसको पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी इसी पेरी ट्यूबुलर कैपलरी की एक फाइन ब्रांच छोटी सी ब्रांच जो कैसे रन कर रही है पैरल टू लूप किससे रन कर रही है बेटा पैरल टू द हेनले लूप ठीक है तो ये जो पैरल टू द हेनले लूप रन कर रही है इसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टा और अगर इसका सेप देखें तो कुछ ऐसा बनता है यू सेप्ड ठीक है और वासा रेक्टा आपका हाईली रिड्यूस या कहेंगे बेटा आपका एबसेंट होती है कॉर्टिकल में क्योंकि आपको पता है कॉर्टेक्स में हेल्ले लूप बहुत छोटी बनती है यू सेव्ड स्ट्रक्चर डाइजेशन में क्या होता है डाइजेशन में यू सेफ्ड स्ट्रक्चर कौन है क्या बात है बहुत अच्छा बच्चों वेरी गुड कोई नहीं ना 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 हमको मालूम था तुम जवाब यही दोगे ड्यूोडनम ड्यूोडनम का शेप चेंज हो चुका भैया सी शेप्ड है ध्यान रखना पहले यू था हाँ यस वेरी गुड क्या हो जाएगा भाई सी शेप्ड ठीक है ना तो यू शेप्ड बेटा आपका आगे चल के जब लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ोगे तो वहां पे आएगा हाइओइड बोन हाइओइड बोन और इसका जो शेप होता है वो भी कैसा होता यू शेप्ड होता है एक्चुअली हम लोग आपको भी पता होगा ड्यूडनम को भी यू सेव्ड मानते हैं लेकिन आपकी एनसीआर में मॉडिफिकेशन किया है यू पहले लिखा था बदल के सी लिखा है अरे जब बदल के लिखा है तो कुछ मतलब रहा होगा ना लिखने का क्लियर चल सी सेव्ड होता है इसलिए हमने पूछ लिया अब यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगा तो थ्री मेन प्रोसेसेस नेमली ग्लोमरल से पहले क्या होगा ब्लड का कुछ पार्ट छनेगा जब जो पार्ट छनता है तो बहुत ज्यादा छं जाता है तो उसका पार्ट क्या करते हैं रीअब्जार्ज कर लेते हैं और कुछ चीजें उसमें ऑसमोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए सेक्रेट कर देते हैं तो तीन स्टेप होता है एक होता है फिल्ट्रेशन एक होता है रीअबजार्बन और एक होता है सेक्रीशन तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है थ्री मेन पार्ट या मेन प्रोसेस इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है तो क्या बोलोगे पहला क्या है जरा बताऊं तो पहला हो गया री आ, फिल्ट्रेशन पहले छानो फिर जो अधिक चला गया उसको रीअब्जार करो और मेंटेन करने के लिए कुछ चीज उसमें गिरा दो तो जैसे मान लो मैं ट्यूब की वाल हूं इधर ट्यूब की वाल है इसमें कोई यूरिन नुमा फ्लो आ रहा है तो पहले गोलमुला से छनेगा टप 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 इसको क्या बोला गया फिल्ट्रेशन फिर इनमें से तुमने देखा अरे ग्लूकोज जा रहा है अरे सोडियम जा रहा है अरे वाटर ज्यादा जा रहा है अमीनो एसिड जा रहा है कैसे जाओगे बाहर आ जाओ दोबारा तो इसको क्या कर लेते हैं रीएब्जॉर्व क्या कर लेते हैं बेटा जब री एब्जॉर्व करते हैं तो कंसंट्रेशन में इंपैक्ट आ जाता है तो कुछ चीज उस ट्यूब में सेक्रेट कर देते हैं तो तीन स्टेप याद हो गया आगे बढ़ जाए फिल्ट्रेशन री एब्जॉर्न है फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्नेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज कैरीड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किसके जरिए होगा यस ग्लोम कैपिलरी के जरिए फिल्टर होगा क्योंकि आपको पता होगा कैपिलरीज क्या होती थिन कैपेरीम की बनी होती है और आपको पता होगा कैपिलरी मोटी नहीं होती है पतली दीवार होती है खाली ट्यूनिका इंटाइमा पाया जाता है अब क्वेश्चन आता है कि आपका एक मिनट में जो आपका हर वेंट्रिकल होता है वो ब्लड को पंप करता है पांच से साढ़े पांच लीटर यानी पांच हजार एम से पचपन सौ एम ब्लड पंप करता है इसको बोलते थे कार्डियक आउटपुट तो ये जब ब्लड जाता है तो वेरियस ऑर्गन यानी बॉडी ऑर्गन को उसकी सप्लाई होती है तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को कुछ गया कुछ आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम को गया कुछ आपका ब्रेन को चला गया और कुछ आपको एस्क्रेटरी सिस्टम को चला गया तो कहते हैं ये जो टोटल कार्डियक आउटपुट है इसका कितना परसेंटेज यानी ब्लड फ्लो किया जाता है किडनी को या एस्कटरी सिस्टम को तो देखो लिखा है ना ऑन एन एवरेज 1100 टू 1200 हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड इज फिल्टर बाय किडनी मिनट यानी ब्लड कितना गुजरता है एक मिनट में किडनी के थ्रू वो है 1100 टू 1200 हंड्रेड एम एल टोटल कार्डियक आउटपुट कितना होता बेटा 5000 थाउजेंड एम एल मान लो और उसका कितना परसेंटेज गया है मतलब 1100 से 1200 तो इसका कितना पार्ट हो जाता है लगभग लगभग ट्वेंटी परसेंट या वन फिफ्थी परसेंट यान बाई फिफ्थ ऑफ द ब्लड पंप्ड आउट बाई वेंट्रिकल वर्ड देखो कितना एनसीआरटी जब लिखती है तो फालतू गिरी नहीं लिखेगी क्योंकि तो आउटपुट आपका ईच वेंट्रिकल से था स्ट्रोक वालूम आपका ईच वेंट्रिकल से था ठीक है ना ध्यान रखिएगा ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन द पर मिनट एक मिनट का कार्डियक आउटपुट होता है द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रो थ्री लेयर्स तो जब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज आपको पढ़ाया था मैंने तब मैंने आपको बताया था कि भैया जो भी फिल्ट्रेशन बाउंड्री होती है हो हमेशा कितनी लेयर की बनती है तीन लेयर की तो वहां पे याद करो गैसियस का डिफ्यूजन होता था तो वहां पे भी तीन बाउंड्री थी एक तो स्कोमियम ऑफ लंग सेल लंगल इंडोथिलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज और बेसमेंट सब्सटेंस ठीक उसी प्रकार यहां पे भी कितनी चीजें होंगी तीन जरा देखते हैं कौन कौन सी होगी तो एक क्या होगा इंडोथिलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज और एक क्या होगा आपका इनर वॉल ऑफ बाउमेंस कैप्सूल और इनके बीच में क्या होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलस होता है बेटा कैपलरी का गुच्छा टफ टॉप कैपलरी क्लियर चलिए तो ये लाइन बड़ी अच्छी हो गई तो तीन लेयर होते हैं पहला ब्लड कैपलरी की वाल को क्या बोलते हैं इंडोथीलियम सबको पता है आप ग्लोमरुलर ब्लड वेसल्स द इपीथीलियम ऑफ बॉमेंस कैप्सूल एंड अ बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज टू लेयर इन लेयर के बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है तो थ्री लेयर स्ट्रक्चर होगा जो बनाएगा आपका फिल्ट्रेशन बाउंड्री अब आपको पता है कि जो बॉमेस कैप्सूल अगर ऐसे पूरा इंटैक्ट होगा जैसे मान लो आपको कोई चीज फिल्टर करना है और आपने छन्नी लगाया लेकिन छन्नी में छेद नहीं है तो क्या ढंग से फिल्टर होगा नहीं होगा समझ रहे हो ना तो उसी प्रकार आपका जो बॉमेंस कैपिलरी की इनर वाल होती है जो इपिथिलियम होती है उसमें जो सेल होते हैं उसको बोलते है पोडोसाइट तो द इपिथिरियल सेल्स ऑफ बॉमस कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट पहले सेल का नाम क्या है पोडोसाइट आर अरेंज अब इनका अरेंजमेंट होता है एन मतलब तो जटिल मैनर सो एज टू लीव अ सम माइन्यूट कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर तो इसका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि जगह जगह पे छोटे छोटे पोर बन जाते हैं जिसके जरिए फिल्ट्रेशन होता है इसलिए बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर ब्लड इज फिल्टर सो फाइनली थ्रो दीज में कॉन्स्टिटेंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन पास ऑन टू दूमन ऑफ द बॉमेंस कैप्सूल और कितनी खतरनाक लाइन लगी है जो फिल्ट्रेशन होता है उसमें फॉर्म डेलिमेंट नहीं जाएंगे कौन नहीं जाएगा फॉर्म डेलिमेंट नहीं जाएगा प्लाज्मा का लगभग लगभग सारे चीज चली जाती है प्लाज्मा का बस लार्जर प्रोटीन को छोड़ के देयर फॉर इट इज कंसिडर एज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी इसमें कुछ चीजें जाती हैं कुछ चीजें नहीं जाती हैं इसलिए क्या कहते हैं बहुत हाई लेवल का फिल्ट्रेशन है दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ठीक है क्या बोला जाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अब जरा फिगर देखो ये है एफरेंट आर्ट्रियोल और यह है ईफरेंट आर्ट्रियोल तो जरा बेटा देखो एफ्रेंट <coughs> आर्ट्रियोल का डायमीटर देखो एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर देखो और जरा ई देखो तो किसका ज्यादा है एफरेंट का ज्यादा है और ई फ्रेंट का कम है ठीक है और यहां पे देखो जब एक कैपिलरी बनी है तो एक ऐसे सिंगल नहीं गई है घुमावदार है ऐसे गुच्छा नुमा बनी है इस एडप्टेशन के कारण जब गुच्छा नुमा बनी है तो क्या होगा जब एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड जाएगा ग्लोमरलस में तो काफी देर तक ऐसे 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 ऐसे, ऐसे रुकेगा यानी ठहरेगा कुछ देर तक और जब बाहर निकलने गया तो यहां पे क्या हो गया तुमने क्या कर दिया इसका जो इसकी ल्यूमन है या इसका डायमीटर घटा दिया तो थ्योरी ऑफ आप कॉन्टीन्यूटी आपने कहा पढ़ा फिजिक्स में तो थ्योरी ऑफ कॉन्टीन्यूटी क्या कहता था कोई एक ट्यूब हो और उसका डायमीटर इधर ज्यादा और फिर अचानक से तुमने कम कर दिया तो जैसे कम कर दोगे तो यहां पे क्या होगा एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम यहां पे एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा क्लियर क्लियर तो इसके बाद जरा क्या हो जाएगा तो यहां पे क्या एक प्रेशर बिल्डअप होगा क्या एक प्रेशर बिल्डअप होगा यस अगर तुमको इसकी फीलिंग लेनी है तो कुछ मत करो एक पाइपलाइन लो क्या लो एक पाइपलाइन लो अरे घर में पाइपलाइन नहीं क्या पानी का ट्यूब होता है जो पतली सी प्लास्टिक वाली उसको लो और इस पाइपलाइन में थोड़े से हल्के हल्के क्या कर दो छेद कर दो हल्के हल्के सुई से अब उसमें पानी बहाओ नलके से पानी बहाओ ठीक है अब उसके बाद जब पानी बह रहा था, इसे नॉर्मल छोड़ दो तो देखोगे उस जो पोर से हो सकता है कि पानी थोड़ा बहुत निकले या तो निकलेगा ही जो तुमने छेद किया था लेकिन जैसे ही तुम उस पाइप को यहां से दबाओगे तो तुमको पता होगा जैसे पाइप को यहां से दबाओगे तुरंत क्या होगा वो जो पोर था उससे बहुत तेजी से पानी की धार निकलेगी ये तो सब कोई फील कर सकता है ठीक इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार बेटा आपका यहां पे भी जो एफ्रेंट और इफ्रेंट में जो थिकनेस जो इसकी डायमीटर का डिफरेंस की वजह से यहां पे एक प्रेशर बिल्डअप होगा और ये इतना जो कैपलरी बनी है इसकी वजह से ब्लड काफी समय तक यहां पे ठहरेगा तो क्या हो जाएगा फिल्ट्रेशन आराम से हो जाएगा आर यू गेटिंग बोलो भैया बोलो आगे बढ़ जाए तो समझ में आ गया ना कि इसकी वजह से क्या होगा प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा दब गया है ना तो यहां पर ब्लड क्या होगा प्रेशर फील करेगा हरी हरी तो क्या होगा कैपिलरी में थोड़े थोड़े क्या होते हैं स्लिट होते हैं वहां से क्या होगा छन जाएगा यस yes, पूजा आठ बजे न्यूलायड इंस्टीट्यूट का बेटा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जैसे ही आप न्यूलाइड इंस्टीट्यूट चैनल को जो बच्चे नहीं सब्सक्राइब कर पहले सब्सक्राइब करें जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हो आपको क्या मिल जाता है नोटिफिकेशन जो भी क्लास होती है चलिए आगे बढ़ जाते भाई द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन फॉर्मड बाई अब भैया जो ब्लड ब्लड फिल्टर हुआ है फिल्टर होकर कप में अंदर जमा हुआ है उसको बोलेंगे फ़िल्ट्रेट यानी छनन क्या बोलेंगे फ़िल्ट्रेट यानी छनन तो अमाउंट अमाउंट ऑफ़ फ़िल्ट्रेट ऑफ़ फ़िल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जी एफ आर में कहते हैं यानी ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरी से एक मिनट में जो भी ब्लड का अमाउंट फिल्टर हो जाता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हाँ टेलीग्राम पे न्यू लाइट इंस्टीट्यूट नाम का चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर लो जरा बोलो भाई तो जीएफआर इन हेल्दी इंडिविजुअल इज एप्रोक्सीमेटली 125 एमएल पर मिनट तो जरा किडनी को मान लो 1100 से 1200 एमएल 1100 से बारह सौ एम ब्लड एक मिनट में दिया गया और उस ब्लड का कितना छना एक मिनट में वन ट्वेंटी फाइव एम कितना परसेंटेज होगा कोई बता सकता है डिपेंड्स ऑन योर प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है या आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर सकते हो ठीक है ना अरे ट्वेंटी परसेंट कहाँ होगा बेटा दस परसेंट के आसपास होगा ठीक है ना अरे दस से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा एक सौ बीस ठीक है ना तो दस से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा ट्वेंटी नहीं होगा ठीक है ना चलिए अब एक मिनट में जी एफ आर कितना होता वन ट्वेंटी एमएल पर मिनट है ये. रेट मतलब पर मिनट है तो कहते हैं एक दिन में कहते हैं एक दिन में कितना ब्लड फिल्टर करके फिल्ट्रेशन बनता है तो 180 लीटर पर डे समझ रहे हो मेरी बात ठीक है ना तो जो जीएफआर फिल्ट्रेशन रेट एक मिनट में 125 सौ छन गया यानी कि जो रीनल ट्रिब्यूल के बाउमन कैप्सूल के अंदर कितना ब्लड एक मिनट में आया ब्लड छन के आया वो आया 125 ट्वेंटी फाइव एम एल यानी यहां की बात कर रहे बेटा यहां की छन के यहां पे आ गया यहां पे कितना आया 125 ट्वेंटी फाइव एम एल पर मिनट तो एक मिनट में आया 125 ट्वेंटी फाइव एम एल पर मिनट और एक दिन में आया कितना 180 एटी लीटर तो इसका मतलब तुमको ये फीलिंग आनी चाहिए कि सर यहां बना छन के गया कितना 180 लीटर तो दिन भर में हम लोग 180 लीटर यूरिन क्या कर देते होंगे पास आउट कर देते होंगे तो सोचो अगर 180 लीटर यूरिन पास करना होगा तो हमको लग रहा है दिन भर आपको यूरिन ही पास करना होगा और कोई काम नहीं बचेगा तो जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं रहा तो इसलिए कहते हैं कि क्या इसका मेजर पोर्शन यूरिन के फॉर्म में बन जाता है कि रीऐब्जॉर्व कर लेते हैं बोलिए तो यहां से आपको फीलिंग आ गई यस सर इसका मैक्सिमम पोर्शन क्या करते हैं री एब्जॉर्व कर लेते हैं और कितना परसेंट 99 पॉइंट से ज़्यादा, 99.2 परसेंट ठीक है ना तो नियरली 99 परसेंट से ज्यादा पार्ट इसका क्या हो जाता है रीएब्सार्व हो जाता है क्योंकि यूरिन एक दिन में कितना बनता है एक से डेढ़ लीटर तो डेढ़ लीटर भी लोगे तो आपको पता होगा कि 1%, एक परसेंट एक सौ अस्सी लीटर का कितना होता है वन पॉइंट एट लीटर और डेढ़ लीटर आपका वन पॉइंट एट से कम ही है तो कहते हैं जो यूरिन इसका कितना परसेंट बनता है लेस देन वन परसेंट यूरिन बनता है क्लियर बोलिए हाँ। तो किडनी है बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमलस फिल्ट्रेशन रेट अब ये जो जीएफआर रेट है ये डिपेंड करता है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है कि कम है या बॉडी में ब्लड का ब्लड में आपका वाटर का लेवल कैसा है

जो हेल्प करते हैं आपका कंसंट्रेशन या जीएफआर को मेंटेन करने के लिए एंड द एफरेंट एफ एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टेक्ट फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट द जी सेल टू रिलीज रेनिन इन विच कैन स्टूमुलेट द ग्लोमरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय द जी बैक टू नॉर्मल तो कहते हैं कभी कभी किसी कारण से अगर आपका ये ग्लोमरुलर ब्लड फ्लो क्या हो जाए कम हो जाए तो उसको दोबारा मेंटेन करने के लिए आपका एफरेंट आर्टेरियोल ध्यान रखना ईफ्रेंट नहीं एफरेंट एफरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी मिलके एक अपरेटस बनाते हैं जिसका नाम होता है जक्स्टा अपरेटस इसमें सेल होता है उसका नाम होता है जेजी सेल क्या नाम होता है जेजी सेल्स और बेटा यहां से निकलता है रेनिन जरा बताओ ये रेनिन कौन वाला है एक रेनिन ए है और एक रेनिन ए है क्या दोनों सेम है कि अलग अलग हैं? दोनों सेम है कि अलग अलग हैं? हाँ। चलो तो रेनिन में यहां पे सिंगल एन होगा यहां पे डबल एन ये कहां पा जाता है बेटा आपका स्टमक में कहा पा जाता है आपका स्टमक पोर्शन में और ये हो गया किडनी में याद करने का टेक्निक आप लोगों को पता ही होगा कि किडनी में एक एन पहलेस है तो यहां पे सिंगल एन होगा स्टमक में कोई एन नहीं तो यहां पे कितना हो जाएगा डबल एन ठीक है अभी आगे चल के आपका रास मैकेनिज्म आएगा तो वहां पे डिटेल में भी आएगा और कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे यानी वन एट्टी लीटर पर डे दे, विद ऑफ द यूरिन रिलीज कितना वन पॉइंट फाइव लीटर बना छना कितना 180 लीटर लेकिन यूरिन उसका बन के बाहर कितना निकला 1.5 लीटर यानी कि लग रहा है कि सजेस्ट दैट नियरली नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ द बाय द रीनल टिब्स ये दिखाता है कि 99 परसेंट से ज्यादा ही समझ लीजिए कि आपका जो फिल्ट्रेट होता है वो क्या हो जाता है रीएब्सॉर्ब हो जाता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड री द ट्यूबुलर इपिथिलियल सेल इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस आइदर बाई एक्टिव और बाई पैसिज्मी डी सी टी और हेनले लूप से होता है और जगह जगह पे कहीं पैसिव होगा और कहीं कहीं एक्टिव होगा दोनों होगा पैसिव भी होगा और एक्टिव भी होगा अब तुम्हारा लिखा है फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंसेज लाइक ग्लूकोज Amino acid and ion. ETC in the are तो क्या हो जाएगा ग्लूकोज अमीनो एसिड प्लस सोडियम आयोन जब डायजेशन में भी बताया था मैंने तो वहां पर भी एक वर्ड मैंने यूज किया था कि ग्लूकोज अमीनो एसिड और सोडियम आइन वहां पर भी लिखा था एक्टिव में ध्यान रखिएगा ठीक है इन द फिल्टरेड आर री एब्जॉर्ड एक्टिवली वेर इज द नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब बाई दाइट्रोजिनस वेस्ट को जबकि ग्लूकोज अमीनो एसिड और साथ में क्या आ गया सोडियम आयन होता है एक्टिवली और एक्टिव में ए टी पी या एनर्जी और अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ये वर्ड कॉमन होते हैं री एब्जॉर्स ऑफ वाटर आकर पैसिवली ध्यान रखना वाटर का री एब्जॉर्शन पैसिव होता है

ढेर सारी चीजों को एब्जॉर्व कर लिया जाता है रीअजॉर्ब तो क्या होता है ऑस्मोटिक इम्बैलेंस हो जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है कुछ चीजों को ट्यूबुलर सेल क्या करती थी सेक्रेट कर देती हैं तो ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सेक्रेट सेक्रिय लाइक H प्लस आयन पोटेशियम आयन एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट फिर से तो बोलो कौन कौन H प्लस आयन पोटेशियम आयन एंड अमोनिया किसमें रख देगी फिल्ट्रेट में जैसे मान लो ट्यूब है ये ट्यूब में जो फ्लूड आया है फिल्ट्रेट तो फिल्ट्रेट छना तो फिल्ट्रेशन यहां से किए तो क्या बोलेंगे री एब्जॉर्स और अगर इनमें कोई चीज डाल दिए सेक्रेट किए तो क्या बोलेंगे सेक्रीशन, तो सेक्रीशन के लिए जो ट्यूब के अंदर ऐसी लाइन बननी चाहिए और री एब्जॉर्सन के लिए इधर का तीर बनना चाहिए एरो बनना चाहिए जैसे फिगर में देखिए वाला फिगर देखिए तो जरा देखो ये वाला देखो ये बाहर निकाल रहा है यानी ये क्या दिखा रहा है आपका री एब्जॉर्पन क्या दिखा रहा है री एब्जॉर्न और ये देखिए इनका ये क्या हो रहे हैं अंदर जा रहे हैं यहां पे ट्यूब के अंदर जा रहे हैं तो ये क्या दिखा रहा है आपका ठीक है क्लियर बोलो तो सिंबल भी यानी ये जो तीर की लाइनिंग है ये भी ध्यान देना अब इसके बाद इसमें एक बड़ा लोचा दिखता है आपकी एनसीआरटी में भी दिखता है एक्चुअली वो सही है गलत नहीं है यहां पे देखो मैंने अभी वहां पे लाइन में क्या लिखा था H प्लस आयन पोटेशियम आयन एंड अमोनिया इसका क्या होता है सेक्रिशन होता है फिर से तो बोलो H प्लस आयन पोटेशियम और अमोनिया इसका क्या होता है सेक्रिशन अगर इस फिगर को हम लोग देखते हैं तो आप कहते हो सर ये फिगर अभी आपने बताया कि तीर बाहर की तरफ जा रहा है तो रिअबासन होता है और तीर अंदर की तरफ जा रहा है तो सेक्रिशन होता है लेकिन यहां पे पोटेशियम का तो सिंबल उल्टा दिखा दिया है इन दोनों को तो समझ में आ गया है सिक्रिशन है लेकिन पोटेशियम तो उल्टा दिखा रहा है पोटेशियम तो आपका उल्टा दिखा रहा है तो यहां से आपको समझ में आ गया कि सर पीसीटी में एक्चुअली बना सही है नो no डाउट देखो लेकिन यहां पर डीसीटी में आपका सेक्रिशन ही दिखा रहा है तो यहां पर लिख लो सेक्रिशन ये भी क्या है सेक्रिशन और ये क्या है एबजॉर्पन तो फिगर वाइज तो ऐसे हुआ लेकिन अगर ओवरऑल देखा गया तो पोटेशियम आयन और एच प्लस और अमोनिया का क्या होता है होता है क्लियर हो गया एक गलती से बोलते हैं यहां पे क्या होता है हो जाता है फिर बाद में दोबारा पे DCT में सेक्रेट कर दिया जाता है बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे जाना होगा तो मुझे बहुत सारी चीजें और भी बतानी पड़ेंगी ठीक है ना तो बस आप इतना याद कर लीजिएगा सेलेक्टिव सेक्रीशन के लिए कौन होगा एच प्लस आयन प्लस आयन एंड अमोनिया इन टू द फिल्टरेट ट्यूबल से इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन एज इट हेल्प इन देंटेनिंग ऑफ आयनिंग एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लोर तुमने कहा ना एब्जॉर्सन होगा तो क्या होगा, होगा बेस और एसिड का डिस्बैलेंस होगा तो क्या करेंगे कुछ चीजें उसमें क्या करेंगे सिक्रिएट कर दिया जाएगा बता दो तो दिया विनोद कि आपका K plus, H plus ammonia के प्लस एच प्लस आय और अमोनिया का क्या होता है सक्रीशन होता है लेकिन टी सी टी से क्या होता है रीअबॉर्व और डीसीटी में फिर दोबारा सिक्रीट कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू योर फिगर लेकिन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका खाली सिक्रीशन तो फिगर अगर कभी दे तो ध्यान दे देना बाकी लैंग्वेज में ही आएगा तो में देखते हैं तो बताइए सबसे पहला हिस्सा कौन होता है पीसीटी और पीसीटी में क्या होता है तुम्हारा कन्वलेशन यानी घुमावदार होता है पीसीटी तो पीसीटी के कनुलेटेड होने के लिए यानी घुमावदार होने के कारण एक तो सरफेस एरिया बढ़ गया साथ ही साथ जब पीसीटी को देखा गया उसकी इनर वाल कौन सी एपिथेलियम की बनी होती है क्यूबाइडल इपिथिलियम और एपिथेलियम होने के साथ साथ उसमें क्या होते हैं छोटे 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 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको बोलते थे माइक्रो विलाई तो अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं तो उसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं ब्रश बॉर्डर इपिथिलियम तो पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर इपिथिलियम विच इंक्रीजेस द सरफ़ेस एरिया फॉर री अरे हमको भी देख लो भैया हम भी पढ़ा रहे हैं चलो कोई बात नहीं यहां फोकस कर लो थोड़ा देर नियरली ऑल ऑफ द इसेल न्यूट्रिएंट्स जो भी जरूरी तत्व होंगे उसको बाहर तो जाने नहीं दोगे लगभग लगभग सारे क्या कर तो लगभग सारे इसेंशियल आपके एलिमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स और 70 से 80 परसेंट जो भी इलेक्ट्रोलाइट होता है इस सेगमेंट में आपका क्या कर लिया जाता है रीअजार्व कर लिया जाता है और पीसीटी में ब्रश बॉर्डर एपिथिलियम पाया जाता है बाइडल होता है ये आपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ा है सबको पता है पीसीटी आल्सो हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लू भैया बैलेंस कैसे करते थे सेलेक्टिव सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस अमोनिया एंड पोटेशियम आयन तो कहने का मतलब देखो मैंने बोला था ना फिगर में तुम्हारा उल्टा बना है और तुम्हारा यहां पे क्या बना है लैंग्वेज में सेक्रेशन ही लिखा है तो मैंने बोला था लैंग्वेज याद करना सेक्रेशन है इनडू द फिल्ट्रेट एंड बाईन बाई कार्बोनेट आय इट और वहां से क्या करेगा आयन, और फिल्टर में डाल देगाट आयन फ्रॉम इट तो लैंग्वेज आपको याद होनी चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो गया तो पीसीडी फटाक से बोल दो फटाक से तो क्यूडल एपिथिलियम होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है तो क्या बोल जाता है ब्रश बॉर्डर एपिथिलियम एक एडप्टेशन हो गया आपका सर्फेस एरिया बढ़ाने का शियल जितने भी नियरली ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं उसको रीअब्जर्व कर लिया जाता है 70 टू एंटी परसेंट इलेक्ट्रोलाइट को कर लिया जाता है पीएच और आइनिक बैलेंस बनाने के लिए वहां पे सेलेक्टिव सेक्रेशन कर लेते हैं जिसको बोलते हैं ट्यूबुलर सेक्रेशन जिसमें आता है एच प्लस आयन पोटेशियम आयन और अमोनिया और उसके तुलना में बाईकार्बोनेट वहां से एब्जॉर्व कर लिया जाता है ठीक है लूप अब उसके बाद आता है लूप तो कहते हैं री एब्जॉर्न इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग पहला लाइन आ गया तो जरा बताओ हेनले लूप के किस लिंब में री एब्जॉर्स मिनिमम होता है पहला क्वेश्चन आया बहुत बढ़िया क्वेश्चन बताइए क्या होगा किस लिंब में एब्जॉर्शन या री एब्जॉर्स मिनिमम होगा तो असेंडिंग लिंब बाइकारबोनेट हाँ, आपका एबजॉर्ब होता है सेक्रेट नहीं होता होता है हैर दिस रीजन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लोड द डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स तो जो नीचे जाता है उसमें वाटर के लिए परमेबिलिटी होती है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम परमेबल एक क्वेश्चन ये बनता है ट द फिल्ट्रेड एज इट मूव डाउन तो जैसे जैसे नीचे जाओगे पानी निकलता चला जाएगा तो कंसेंट्रेशन क्या होता जाएगा बढ़ता चला जाएगा चलिए वाटर के लिए असेंडिंग लिंब क्या इम्परमल है बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली दोनों लाइन लिखा है रखना. यानी, में और दोनों हो सकता है अब जब असेंडिंग लिंब में चले तो अब यहां पर पानी नहीं निकला क्या निकला नमक तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन घटता चला जाएगा ठीक है ना समझो आपने क्या लिया सॉल्ट सल्यूशन नमक का पानी लिया ठीक है अब जैसे जैसे आप उस नमक के पानी वाले घोल से पानी निकालोगे तो धीरे 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 वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा नमकीन होता जाएगा यानी हाईली कंसंट्रेटेड हो जाएगा अब फिर तुमने क्या उल्टा करने लगे अब तुम नमक निकालने लगे तो नमक निकालने लगे तो क्या हो जाएगा नमकीन कम होता जाएगा यानी कंसंट्रेशन घटता चला जाएगा डायलूट होता जाएगा क्लियर देर फोर एज द कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड इट गेट्स डायलूटेड ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलरी फ्लूइड तो नीचे वाले से वाटर और ऊपर वाले से क्या हो जाएगा तुम्हारा बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स तो जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे ऊपर आते जाओगे कंसंट्रेशन घटता जाएगा तो अगर एक मैं वर्ड बोल दूं तो इससे तुम्हें और क्लियरिटी आ जाएगी जरा ये वाला फिगर देख लो ये वाला कहते हैं कॉर्टेक्स से जब मेडुला में घुसते हो कॉर्टेक्स से जब मेडुला में घुसते हो तो यहां कॉर्टेक्स जहां स्टार्ट होता है यहां पर होता है कंसंट्रेशन तीन और जब इनर मेडुला में जाते हो तो कंसंट्रेशन कितना हो जाता है बारह तो खुद सोच लो बस खाली याद करना है तीन से बारह और जब ऊपर चढ़ोगे तो फिर क्या हो जाएगा बारह से तीन तो आपको याद भी नहीं करना है कि किससे क्या निकालोगे अब खुद सोचो जब नीचे जा रहे हो तो तीन से बारह जा रहे हो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो क्या निकालोगे पानी तो डिसेंडिंग लिंक किसके लिए परमेबल हो गया वाटर के लिए ऊपर जा रहे हो तो क्या हो रहा है बारह से 300 यानी कंसंट्रेशन घट रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा वहां से क्या निकालोगे इलेक्ट्रोलाइट तो असेंडिंग लिंक किसके लिए परमेबल हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रोलाइट तो याद करना कुछ नहीं भाई बस खाली क्या याद करना था तुम्हें यहां पे 300 से 1200 सौ से जब मेडुला जाते हो तो 300 से 1200 सौ हो जाता है कंसंट्रेशन यानी हाईली कंसंट्रेटेड होता है तो 300 से 1200 करने का मतलब क्या होगा वाटर निकालोगे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा अब 1200 से फिर 300 करना होगा तो क्या निकालोगे साल्ट निकालोगे कंसंट्रेशन घट जाएगा क्लियर क्लियर हो गया बोल दो भाई क्लियर टू ऑल चलिए अब हम लोग बात करते हैं डीसीटी डिजिटल कॉन्वलेटेड ट्रिब्यून एक बात लिख लो यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू डिमांड होता लिख सकते हो ऑन डिमांड ऑन डिमांड जैसा नीड वैसा काम होगा यानी अगर हमारे बॉडी में क्या हो फ्लूड अच्छे से हो तो हम कहेंगे बनने दो यूरिन यार जाने दो तुमने हचक के पानी पिया ज्यादा निकालोगे ज्यादा पियो तो ज्यादा निकालोगे तो, निकालो तो कहते हैं यहां पे फिर डीसीटी में कहेंगे जाने दो तो जाने दो तो। लेकिन अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाए सोडियम की कमी हो जाए तो कहां से हम लोग डिमांड के अनुसार कहां निकालते हैं डीसीटी से तो देखो एक लिखा है कंडीशनल यानी अवस्था कैसी है रीअबॉर्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट बहुत खतरनाक लाइन रही है जैसी जरूरत होगी वैसा ही करेगा डीसीटी इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ री एब्जॉर्शन ऑफ बाई कार्बोनेट एंड सेलेक्टिव सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पोटेशियम एंड अमोनिया तो हाइड्रोजन पोटेशियम अमोनिया का क्या होता है सेलेक्टिव सेक्रेशन और बाइकार्बोनेट का होता है रीएब्जॉर्शन टू मेंटेन पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द बॉडी तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कंडीशनल री एब्जॉर्सन कहाँ से होता है पीसीडी से तो होना ही होना है नॉर्मल जो वो कर रहा है वो करेगा हमेशा लूप का डिसेंडिंग लिम जो कर रहा है करेगा असेंडिंग लिम जो कर रहा है करेगा लेकिन डीसीटी ऑन डिमांड होगा जैसे तुम्हारे बॉडी में सोडियम की कमी हो गई तो क्या निकलेगा एल्डो स्ट्रोन कह डी सीटी चलो लाओ सोडियम लाओ कमी हो रही है यूरिन के थ्रो नहीं जाने देंगे तुम्हारे बॉडी में वाटर की कमी हो रही है तो क्या आ जाएगा एडीएच क्या हे डी पानी दो पानी दो कमी हो रही है बॉडी में यूरिन के थ्रो मत जाने दो ठीक है ना खत्म तो डीसीटी में कैसा होता है बेटा ऑन डिमांड और एक खतरनाक लाइन कलेक्टिंग टक्ट तो जरा देखो बॉमस कैप्सूल पीसीटी एंड डीसीटी कहां पाया गया था कॉटेक्स में और मेडुलर रीजन में क्या पाया गया हेनले लूप लेकिन जो तुम्हारा एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है जो तुम्हारा ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है ये एक्सटेंड करता है कॉटेक्स टू मेडुला ये लाइन बड़ी अच्छी है ये आपको याद भी होना चाहिए तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कॉर्टेक्स में भी है और मेडुला दोनों में है तो क्या बन जाएगा भाई कलेक्टिंग ट्रिब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट आगे बढ़ जाए आगे बढ़ जाए भाई बोलो तो कलेक्टिंग ट्रिब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू

सेलेक्टिव सेलेक्टिव ऑफ आयन 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 एंड पोटेशियम और selective secretion, pH और के लिए क्या होता है आयन आयन और K iron. तो ए वाला एकदम लाइन खतरनाक है इसे अंडरलाइन भी कर सकते हो कि जो आपका मेडुला में कलेक्टिंग ट्रिब्यूल का पार्ट होता है वहां से क्या निकलता है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया और इस जगह पे मेडुलरी इंटरस्टिशियम में फैल जाता है जो एक ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए प्लांट करता है जरूरी है कि पढ़ाई जरूरी है भाई आम अगर आपको एक दिन में विद कॉन्सेंट विद एनसीआरटी की लाइन पढ़ के और मेजर जो टेक्निकल टर्म को समझा के चैप्टर खत्म करना है तो अगर हम आपसे पांच मिनट बात करेंगे तो उतने टाइम में आपको काउंटर करेंट मैकेनिज्म पढ़ा देंगे ठीक है

तो आपको वैसे ही क्या होता है फील गुड कह दो सर मजा आ रहा है मजा आ रहा है सर मजा आ रहा है तो चलो बताओ मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है चलो भाई पूछ ही लेते हैं आप लोग से मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है अच्छा फील गुड राजन वेरी गुड बच्चा इंडो इंडो अच्छा हाँ भाई हैप्पी हरमो ठीक है ना तो यहां तक कोई डाउट तो नहीं आगे बढ़ जाए यहां तक कोई डाउट नहीं आगे बढ़ जाए चलिए अभी जो आपका काउंटर करेंट मैकेनिज्म है उसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं फिर हर का सा समझाना है बहुत ज्यादा डिटेल में भी जाना है समझ में भी आ जाए आपको और आपका क्वेश्चन भी निकल आ जाए वही मेरा काम रहेगा कोई बात नहीं अन्वेषा डोंट वरी मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट फिल्टरेट स्के कोई फायदा नहीं अब तो कुछ कर नहीं सकते हो तो जो कर सकते हो वो करो उसके बारे में सोच के बहस करके कोई फायदा नहीं जो गया सो गया आप उसको बदल नहीं सकते अभी से जो है पकड़ लो ट्रेन हो सकता है तेज दौड़ गए तो जीत जाओगे सोचना छोड़ दो कि नहीं तैयार है शोर नहीं तैयार है तैयार करो ना होगा जितना करोगे मेहनत अपना करो तुमने बोला ना बाई हार्ट करना तो बाई हार्ट करो मैमल्स है कंसनट्रेटेड यूरिन देंडलेस लुप एंड वासा रेक्टा प्ले आ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस तो आपको भी फीलिंग होगा यस सर हाँ हमको भी लग रहा है जैसे जैसे हेनले लूप बड़ी होगी वैसे वैसे उसमें क्या होगा पानी और निकलता चला जाएगा यानी यूरिन बनाने का क्या हो गया? एक हो गया गया एक मैकेनिज्म और आपको पता होगा उसी लूप से पैरेलली रंग कौन करता है यू सेव्ड वासा रेक्टा तो हेनले लूप और वासा रेक्टा इनमें क्या होता है भैया आपका एक कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने की एबिलिटी होती है अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है लूप में फ्लोइंग uh, डायरेक्शन है और जो तो वासा रेक्टा का फ्लोइंग डायरेक्शन है दोनों सेम है कि अपोजिट है सेम है कि अपोजिट है बोलो भाई सेम की अपोजिट सेम है कि अपोजिट यस अपोजिट डायरेक्शन में है ठीक है तो इसको बोलते हैं अपोजिट मतलब काउंटर करें एक ऊपर से नीचे जा रहा है तो दूसरा नीचे से ऊपर जा रहा होगा यानी अगर एक होगा असेंडिंग लिम्ब तो दूसरा होगा डिसेंडिंग एक होगा डिसेंडिंग तो दूसरा क्या होगा असेंडिंग क्लियर चलिए द फ्लो ऑफ फिल्टरेड इन टू लिम्स ऑफ हेनलेज लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म ऑफ काउंटर करेंट द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रो द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो इन काउंटर करेंट तो यानी कि वासा रेक्टा और हेनले लूप में जो फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है डिसेंडिंग में नीचे जा रहा है असेंडिंग में ऊपर जा रहा है और ठीक उसी प्रकार आपका वासा रेक्टा में भी काउंटर करेंट होता है तो कहते हैं जब काउंटर करेंट होता है और दोनों चीज पास में होती है तो इनके बीच में एक्सचेंज होता है चीजों का आदान प्रदान होता है इसको बोलते हैं काउंटर करेंट एक्सचेंज क्या बोलते हैं काउंटर करेंट एक्सचेंज क्लियर और इसी को बोलते हैं काउंटर करेंट मैकेनिज्म क्या बोलते हैं काउंटर करेंट मैकेनिज्म बस सिंपली यहां पे खत्म करते हैं देखते हुए तो जरा एक बात बताओ यहां पे देख के बताना सिंपल सा पहले हम लूप पे कंसंट्रेट करते हैं ठीक है तो जरा देखो हेल्ले लूप का अगर हम पार्ट देखें तो ये कौन सा हो जाएगा भैया आपका डिसेंडिंग लिंप नीचे जा रहा है तो कैसा हो गया डिसेंडिंग और ऊपर जा रहा है तो कैसा हो गया असेंडिंग अब कुछ नहीं अब आपको क्या सोचना था तीन सौ से बारह सौ थोड़ा छोटा कर दे जल्दी खत्म हो जाएगा टाइम बच जाएगा आपका चलिए बस किस पे कंसंट्रेट करिए आप तीन सौ से बारह सौ बस खत्म हो जाएगा आपका तीन सौ से जाना है बारह सो कम खत्म तो देखो डिसेंडिंग लिम का ये ओरिजिन हो गया और ये हो गया फाइनल पॉइंट तो 300 से 1200 सो जाना तो यहां से क्या निकलेगा वाटर निकलेगा ठीक है और ये 1200 से 300 सौ जाना तो यहां से क्या निकलेगा एन निकलेगा ठीक है ये तो क्लियर हो गया तो यानी यहां से जाने पे क्या हो रहा है वाटर निकल रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है सॉल्ट निकल रहा है तो कंसंट्रेशन घट रहा है लेकिन 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 इसी के पास आपका वासा रेक्टा होता है तो कहते हैं जो एसेंडिंग लिंब होता है उसके पास वासा रेक्टा का कौन सा पार्ट होता है डिसेंडिंग लिंब कौन सा लिंब होता है भैया डिसेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा ठीक है और जो डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूपा फैलने होता है उसके पास होता है एसेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा उल्टा होता है बस याद कर लेना अब जरा दिमाग लगाओ कि यहां पे अगर मैं यहां पे ऐसे बनाऊं ये वाला ऐसा स्ट्रक्चर मेरा जो ब्लैक कलर का बना हुआ है ये वाला स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया वासा रेक्टा तो तुम्हें क्या फीलिंग आ रही है कि एसेंडिंग लिंब ऑफ लिप लूप ऑफ हेनले से क्या निकला एन ए सी एल और किसमें घुस गया वासा रेक्टम किसमें घुस गया वासा रेक्टम फिर यहां से ऊपर आओ ये ऊपर गया वासा रेक्टा तो यहां से क्या हो गया एन ए निकल गया जिसके कारण डिसेंडिंग लिंब से क्या निकल जाएगा वाटर कैसे जरा देखते हैं अब जरा तुम एक बात बताओ ये हो गया डिसेंडिंग लिंग ऑफ लूप ऑफ हेनले का ओरिजिन और ये हो गया फाइनल पॉइंट तो जरा बताओ जब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वास कितना हो जा रहा है बारह सो और अरे इसका क्या जीरो है और ये इसका क्या फाइनल पॉइंट है और ये क्या हो जा रहा है बारह सो से तीन सो हो जा रहा है तो काउंटर करेंट ये बोलते हैं कि जो पहले वाले का इनिशियल होता है वो दूसरे वाले का फाइनल हो जाता है और जो दूसरे वाले का इनिशियल होता है वो पहले वाले का फाइनल हो जाता है तो जरा देखो वासा रेक्टा का डिसेंडिंग का क्या है इनिशियल पॉइंट है यानी जीरो है यहां पे वैल्यू कितनी होती है तीन तो जैसे नीचे आता है तो डिसेंडिंग लिम से क्या मांगता है दो सोडियम दो सोडियम दो सोडियम दो सोडियम दो सोडियम दो सोडियम तो सोडियम लेता जाता है तो अब कंसेंट्रेशन बढ़ता जाता है क्या हो जाएगा तीन सौ से बारह सौ यानी इससे मांग रहा है अब मांगने के कारण इससे सोडियम निकलता चला जा रहा होगा तो क्या हो जाएगा भाई बारह सो से तीन सौ इसको बोलते हैं काउंटर करेंट एक्सचेंज और सिंपल वर्ड में बोलते हैं दूसरों में आदान प्रदान ऐसा होता है कि इसमें क्या होता है कि भैया जो पहला वाला होता है वो दूसरे का जैसा बन जाता है और जो दूसरा वाला होता है वो पहले के जैसा बन जाता है अगर मैं इसको बोलूं जरा देखो यहां से स्टार्ट करते हैं ये इसका क्या है इनिशियल है एसेंडिंग लिम का तो ऊपर जाते जाते किसके जैसा बन गया वासा रेक्टा के जैसे 300 ये वासा रेक्टा का क्या इनिशियल है और ये नीचे जाते जाते किसके जैसा बन गया एसेंडिंग लिम ऑफ हैनले लूप के जैसा 1200 जरा बताओ क्लियर हुआ क्लियर हुआ तो सिंपल से ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा 300 से 1200 होगा ना तो इसको 300 1200 होना होगा

डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेल्ले से क्या निकल जाएगा वाटर निकल आएगा तो ये मेकेजम हो गया कि पानी यहां से एनएसएल भी ले लिया यहां निकाला तो यहां से वाटर निकाल दिया ठीक है ना अरे यार 300 से पहले क्या होगा दो ही सौ होगा दिस इज कॉल्ड ये आपको एनसीआरटी यहां से देखना 300 से 1200 जाना है बस काम खत्म अब जब 300 से 1200 इधर जा रहे हो तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा तो क्या ले रहा होगा साल्ट ले रहा होगा और ऊपर जा रहे हो तो कंसंट्रेशन घट रहा है, तो क्या निकल रहा होगा वाटर निकल रहा होगा और एरिया निकल रहा होगा और ये ध्यान रखना कि जो आपका वासा रेखा होता है उससे खाली साल्ट निकलता है वाटर नहीं निकलता दिस इज कॉल्ड काउंटर करेंट मैकेनिज्म क्लियर हो गया तो आगे बढ़ जाए ठीक है हाँ तीन सौ से बारह सौ कितना होगा चार गुना तो यानी कहने का मतलब जो शुरू में होगा वो दूसरे का जैसा बन जाएगा जाते जाते नीचे और जो नीचे वाला शुरू में था वो जाते जाते पहले का जैसा बन जाएगा तो इससे क्या होगा कि आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप हलने से वाटर निकलने लगा और असेंडिंग से क्या निकलेगा सॉल्ट निकलने लगा तो एक कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने का एक क्या हो गया बेटा आपका मैकेनिज्म हो गया रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन जितना बता दिया उतना ही फोकस कर लो इससे ज्यादा डिटेल में बजाने के लिए मुझे एक लेक्चर चाहिए बढ़िया सा आपको क्या मैं समझाऊं डायग्राम खूबसूरत से बना के काउंटर करंट मैकेनिज्म समझाऊं जो कि आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है जितना बता दिया उतना ही जान जाओ बहुत अब भैया हमने बोला था कि मैमल में प्रॉपर्टी होती है कि यूरिन को कंसंट्रेट करने की डायरेक्ट कैसे करते हैं मान लो द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज एफिशियटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाई हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग सबसे पहले आएगा हाइपोथेमस जेजीए जक्स्टा ग्लोमल अपरेटस एंड टू अटेन एक्सटेंड दाई यहां पर पिटूटरी ना लिखे हाइपोथेमस लिखा ध्यान रखना क्योंकि देखो एडियस जो निकलता है एक्चुअली उसकी सिंथेसिस कहाडियच की सिंथेसिस कहा होती है हाइपोथेलमस में और निकलता कहां से है पोस्टीरियल लोब ऑफ पिटूटरी दस बाई हाइपोथेलमस इज देयर ठीक है ना चलो आसमो रिसेप्टर इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम या बॉडी फ्लूड वॉल्यूम या आयनिक कंसंट्रेशन अब तुम्हारे ब्लड की वॉल्यूम बदल जाए या बॉडी फ्लूड या टिश्यू फ्लूड वॉल्यूम बढ़ जाए या आयनिक कंसंट्रेशन बदल जाए तो जैसा आपको प्रॉब्लम होगी उस अकॉर्डिंग डीसीटी से आपका क्या होगा एब्जॉर्शन हो या चीजें जाने दी जाएंगी चले देखते हैं एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लू फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर विच स्टलेट द हाइपोथल टू रिलीज एंटी एडीएच देखो 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 हाइपोथ हम लोग एडीएच या वैसोप्रेसिन आगे चल के कौन सा पढ़ते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पढ़ते हैं तो देखो लिखा क्या है सिंथेसिस करेगा हाइपोथेलमस से और निकलता कहां से न्यूरो हाइपोफाइसिस और बेटा जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है इसका नाम होता है पोस्टीरियल लोब ऑफ या बोलते हैं पार्स नर्वोसा ठीक है ना तो याद कर लेना कि पोस्टीरियल लोब ऑफ से निकलता है एक्चुअली बनता कहां पे आपका हाइपोथैलमस क्या नाम है इसका एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन डायरेसिस मतलब होता है ज्यादा यूरिन का बनना मोर यूरिन फॉर्मेशन डायलूटेड फॉर्म में जा रहा है डाई से डायलूटेड समझ लो तो डायलूटेड बनेगा तो ज्यादा वाटर जाएगा यानी ज्यादा बॉडी में वाटर का लॉस होगा तो अब बॉडी में वाटर की कमी हो गई है तो तुम क्या चाहोगे कि यूरिन के थ्रो डायलूटेड फॉर्म में जाए तो उस डायरेसिस को रोकने के लिए हार्मोन जो आता है उसका नाम क्या बोल देते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन और इसका दूसरा नाम भी एक चीज बताता है वैसोप्रेसिन ये वेसल को क्या कर देता है प्रेस कर देता है तो जरा बताओ वेसल को प्रेस करने से क्या बढ़ जाएगा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा जरा बताओ ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा तो एडीएच का पूरा नाम ही बताता है उसका काम क्या है ज्यादा यूरिन बनने को रोकेगा तो कहेगा चल पानी दे मांग ले कहेगा चलो पानी निकालो, पानी निकालो हमारा वापस करो यूरिन के थ्रू नहीं जाने देंगे ठीक है यस और साथ ही साथ जीएफआर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा जिससे जीएफआर बढ़ जाएगा कहेगा और पानी निकाल लो पूरा सारा पानी निकाल डालो ठीक है क्लियर तो देखो, लिखा है, ADH facilitates water from, देखो 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 लिखा लिखा है कितना अच्छा यानी कि मतलब कौन सा होगा PCT की DCT? बस बेटा खत्म ही होने वाला है लेटर पार्ट ऑफ दिब्यूल का क्या मतलब होता है मतलब दूर वाला यानी पे लिख सकते हो डीसीटी ज्यादा यूरिन बनना क्या करेगा रोकेगा एंड इंक्रीज इन बॉडी फ्लूड वॉलूम कैन स्विच ऑफ दिसेप्टर एन सप्रेस टू कम्प्लीट दैक मान लो बॉडी फ्लूड वॉलूम बढ़ गया अब आपको जरूरत नहीं तो रिसेप्टर बदल हुए भैया पानी उठी हो गया क्या ठीक तो है बॉडी में पानी ठीक है ना ऑस्मोटिक बैलेंस ठीक है कह तो हाइपोथेमस आप क्या कर देगा एडीएस निकालना बंद कर देगा जाने दो यूरिन के थ्रू पानी है ठीक है तो क्या होगा वाटर कंजर्वेशन एडीएच कैन आल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल तभी तो नाम क्या रख देते हैं वैसो प्रेसिंग तो याद क्या कर रहे हो वेसल को क्या करेगा दबा देगा दिस कॉज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द्लोमर ब्लड फ्लो एन देर बाई जी तो एडीएस की पूरी कहानी खत्म बोलो एडीएस की कहानी खत्म गई कि बची है फिर से बोलते बोलो तो एडीएस तो का पूरा नाम याद कर लो बाकी चीजें याद करने की होते नहीं एडीएस का नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन तो यानी ज्यादा यूरिन बनने से रोकेगा यानी कब आएगा जब एडीएस जब बॉडी में पानी की कमी हो जाए बॉडी फ्लूड वालूम घट जाए तो हाइपोथेनमस से निकलेगा और किसके जरिए रिलीज होता है आपका सेक्रेट होता है सेक्रेट होता है आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिटोट्री क्लियर बोलो भैया दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन तो ब्लड वेसल को क्या करेगा कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा दबा देगा और जैसे दबाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा जीएफआर बढ़ जाएगा अब दूसरा था किडनी ट्यूबुल के अंदर जो डीसीटी में था जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस तो एफरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी मिलके क्या बनाते थे जेजी अपरेटस अब फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड या ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या तो जीएफआर घट जाए एक्टिवेट जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन रेनिन को रिलीज करेगा व्हिच कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजेन जेन है तो क्या होगा इनएक्टिव फॉर्म होगा ये तो बता ही चुके हैं

और एनजियोटेसिन टू बींग पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर इंक्रीज द ग्लोमर ब्लड प्रेशर एंड देयर बाई इंक्रीजिंग जी एफ आर तो यहां से मुझे लग रहा है कि जो जब ब्लड फ्लो ग्लोम का या ग्लोम फिल्ट्रेशन रेट डाउन हो जाएगा तब निकलता है आपका रेनिन रेनिन एजियोटेंसिनोजेन को बदल देता है एनजियोटेंसिन वन में और एनजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइन एनजियोटेंसिन वन को बदल देता है यस एस आता है आपका लंग्स से

एक हो गया एड्रीनल ग्लैंड और एक हो गया आपका सुप्र रिनल ग्रैंड और बेटा एड्रीनल दो पार्ट कॉर्टेक्स और मेडुला तो कॉर्टेक्स से निकलता है मिनरल का बैलेंस बनाने वाला मिनरेलो जिसका नाम होता है एल्डोस्टेरोन कब आया है बेटा ब्लड प्रेशर घटा है तब और आपका दिमाग कहता है कि सोडियम आयन अगर ब्लड में ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो डीसीटी से क्या कर लेगा सोडियम आयन एब्जॉर्व कर लेगा जिसकी वजह से आपका वाटर और सोडियम आयन दोनों रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और जैसे ब्लड में सोडियम आयन जाएगा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा तो दो तरह से ब्लड प्रेशर बढ़ाया ध्यान रखना तो एंजियोटेंसिन 2 एक तो ब्लड वेसल को दबा दिया तब ब्लड प्रेशर बढ़ गया साथ ही साथ मिनरलो कॉर्टिक्वाइड फ्रॉम अर्डनल कॉर्टेक्स एल्डोस्ट्रोन उसको भी आपका रिलीज करवाता है जो काजिश करता है रीअजार्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द टिबूल दिस आल्सो लीड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड जी एफ आर दिस कॉम्प्लेक्स जनरली नोन एज एल्डोस्टेरोन सिस्टम आर ए एस बोल दो या आर डबल ए एस रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम तो यहां से फीलिंग क्या आई तुम्हारा एडीएच रेनिन एल्डोस्ट्रोन एक्चुअली आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाले हैं काम खत्म सब क्या है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाले हैं। और कभी अगर आपका ब्लड प्रेशर को घटाना होगा तो कोई आएगा उसका नाम होगा ए एन एफ वो कहां से निकलता है एट्रियल वाल से जब ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है तो एट्रिया की वाल कहती है यार इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है कहीं फटफुट ना जाए एट्रिया तो कहते हैं एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट कैन कॉजेज द रिलीज ऑफ एट्रीय नेट्री यूरेटिक फैक्टर वहां से निकलेगा एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर नेट्रीसियम मतलब होता है सोडियम वहां से खींच लेगा एन एफ कैन कॉज वैसो डायलेशन एंड देयर बाय डिक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर ब्लड से सोडियम आयन निकाल के किसी पर देगा यूरिन के थ्रो बाहर कर देगा और साथ ही साथ क्या कर देगा वैसो डायलेशन तो ए एन एफ क्या करता है घटाता है तो घटाने के लिए वैसो डायलेशन करेगा और सोडियम आयन को जाने देगा यूरिन के थ्रू तो जरा बताइए क्या एन एफ उल्टा है आपका रास का तो ये तो लिखा गया एन एफ मेके रेनिंग तो एडीएच हो गया एल्डोस्ट्रोन हो गया और आपका रेनिन यानी जेजीए वाला था वो काम होता है आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ाना सोडियम आयन के रिज्जेशन को बढ़ाना वाटर के रिजेशन को बढ़ाना जीएफआर को बढ़ाना और उसका उल्टा कौन होता है आपका ए एन तो एफ जरा देखो किडनी से निकला रेनिन लीवर से निकला एंजियोटेंसिनोजेन, किडनी से निकला नरिन लीवर से निकला एंजियोटेंसिनोजेन, रेनिन ने कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन वन अब एंजियोटेंसिन वन कनेक्ट हुआ कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन टू में लंग से आया एस एस मतलब होता है टेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम अब एंजियोटेंसिन देखो कहां कहा, काम किया एक तो देखो आपका एडीएस से भी जुड़ता है क्योंकि एडीएस निकलेगा तभी क्या होगा आपका भी काम करेगा वगैरह की ब्लड वेसल क्या करेगा दबा देगा और साथ ही साथ करेगा वहां से क्या निकलाएगा एल्डोस्टोर तो यही कहते हैं है, है एल्डोस्टर तो एक्चुअली जो आपका एडीएच हो गया एक्चुअली जो आपका एल्डोस्ट्रोन हो गया और जो आपका रेनिन हो गया इनका इफेक्ट मिलता जुलता रहेगा और आपका जो ए एन एफ होगा उसका इफेक्ट आपका उल्टा होगा तो जब कभी भी याद रख लेना जीएफआर बढ़ाना हो ब्लड प्रेशर बढ़ाना हो बॉडी फ्लूड वॉल्यूम बढ़ाना हो तो क्या आ जाएगा आपका रेनिन एल्डोस्ट्रोन और आपका आ जाएगा एडीएच तो कहते हैं बढ़ाना होता मतलब जब एक कम होंगे तभी तो बढ़ाओगे तो जब भी कभी आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाए बॉडी फ्लूड वॉल्यूम कम हो जाए या आपका जीएफआर कम हो जाए तब आपका रेनिन एल्डोस्ट्रोन और एंजियोटेंसिन वाला काम होगा और ब्लड प्रेशर बढ़, बढ़ गया है तो आपका वाला काम मिक्चुरेशन, इज तू इट नर्वस सिस्टम तो कहते है जब यूरिनरी ब्लेडर आपका भरने लगता है धीरे 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 तो वहां पे लगे होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर जो स्टमुलेट करके सिग्नल भेजते हैं आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते भैया आपकी जो थैला था भर गया है अब उसको क्या करो खाली कर दो तो कहते हैं जो यूरिनरी ब्लेडर होता है ये यूरे है लेकिन आपको पता है ना कि नॉर्मल कंडीशन में इस ट्यूब में इस ब्लेडर में यूरिन इकट्ठा होता रहता होता रहता क्या मजाल है कि एक बूथ भी बाहर आ जाए इसका मतलब यहाँ पे जबरदस्त क्या बना हुआ गठी लगी होगी और हमेशा गठ्ठी को मैंने क्या बोलते हैं स्फिंक्टर क्या बोलते हैं भैया स्फिंक्टर ठीक है अब जैसे इसमें क्या हो जाएगा फैलने लगेगा तो कहते हैं भैया फट ना जाए इससे बाहर निकाल दो तो इस को क्या करते होंगे रिलैक्स करते होंगे तो क्या हो जाता होगा ए ओपनिंग खुल जाती होगी और योथरा के थ्रो यूरिन पास हो जाता होगा अब कहते हैं कि इस पे कंट्रोल किसका होता है तो कहते हैं आपका वॉल्ट्री कंट्रोल होता है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता Actually, है एक्चुअली मिक्चुरेशन एक रिफ्लेक्स एक्शन है क्योंकि आप धीरे 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 सीखते हो जैसे देखो शुरू में जब बच्चा पैदा होता है आपको भी पता है कि वो जहां तहां कितने लोगों को भिगोया होगा आप भी जानते हो बेड कोई भी नहीं छोड़ा सबको भिगोया रहा यानी उसको फिर पिटाई पड़ी है तुम लोग बहुत मार खाए हो बेड पे पिसाब किए या मिक्चुरेशन किया पट्ट तो कहने का मतलब सिखाया गया ट्रेंड किया गया तुम्हें पीट पाट के ये सबको पता होगा नहीं तो किसी की गोद पर कर देते हो कहीं भी कर देते थे बचपन में या आज आप बचपन नहीं देखते हो लेकिन कोई बच्चा तो देखते ही हो तो कहीं भी कर देता है उसको ट्रेंड किया गया है उसको ब्रेन को समझाया गया है कि बेटा देखो हर जगह नहीं करते सुधर जाओ तो उसको ट्रेंड किया गया है इसलिए जब ट्रेनिंग करते हैं कोई चीज तो क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन में डेवलप हो जाता है सपोज दैट अगर आप कोई क्लास में या मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं लग रहा है कि मुझे मैं नहीं जा सकता और मान लो मुझे अभी फीलिंग ऑफ क्या आया यूरिनेशन यूरिन पास आउट करने की फीलिंग आई तो मुझे लग रहा है यार चलो क्लास खत्म कर ले फिर जाएंगे तो यानी हम इसको रोक सकते हैं तो यानी कंट्रोल भी होता है क्लियर दोनों होते हैं याद रखना लेकिन एक लिमिट होती है उसकी जब ये पूरा थैला और भरने लगा भरने लगा और मुझे लगा कि क्लास मेरी एक घंटे से ज्यादा हो रही दो घंटे से ज्यादा हो रही तीन घंटे से ज्यादा हो रही है अंत में एक समय ऐसा आएगा कि अब नहीं गए तो कितनो तो ब्रेन रोकना चाहेगा रोक नहीं पाएगा वो अपने आप रिलीज हो जाएगा तो ध्यान रखना कि थोड़ा देर कंट्रोल कर सकते हो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं और एक क्वेश्चन आता है कि यहां पे जो इपिथिलियम होता है उसका नाम क्या है उसका नाम होता है ट्रांजिशनल इपिथिलियम क्या नाम होता है बेटा ट्रांजिशनल इपिथिलियम तो भाई सीएनएस से मोटर सिग्नल जाएगा स्मूथ मसल वहां पे होंगी तो तुमको यहां से समझ में आ गया यस सर स्मूथ तो कैसा होगा इनवॉल्ट्री होगा हो रिलैक्स हो जाएगा ओपनिंग खुल गई द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन एंड द कॉजिंग इट इज कॉल्ड मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स तो मैंने बताया इसको सिखाया गया है आपको और जो चीज सिखाई जाती है उसको बोलते हैं ट्रेंड करना रिफ्लेक्स एक्शन डेवलप करना क्लियर

तो स्लाइटली एसिडिक होता है यूरिन एंड हैज करेक्टरिस्टिक ओडोर यानी इसका एक स्पेसिफिक स्मेल होता है ऑन एन एवरेज 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज आउट पर डे ये आपको याद होना चाहिए ग्राम में है और कितना भैया 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे एक्सक्रीट आउट किया जाता है वेरियस कंडीशन कैन ऑफ द यूरिन कंडीशन यानी आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसके वजह से आपका यूरिन हो सकता है हल्का पीला हो या सफेद जैसा हो तो जैसे सफेद गाढ़ा निकलता है तो उसको बोलते हैं इसको डायबिटीज है चीनी निकल रहा है ठीक है ना या बहुत ज्यादा पीला लच निकल रहा है रेडिश टाइप का वाइन कलर हुआ तो मानते हैं कि लीवर में प्रॉब्लम है तो ये आपका यूरिन एनालिसिस से आप पता कर सकते हो कि बीमारी क्या है तो वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी डिसऑर्डर एज एज वेल ऑफ द किडनी फॉर प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज वही आया ना जिसका यूरिन आपको देखो कई लोग का गड्ढा होगा व्हाइट होगा तो समझ जाना उनको क्या है डायबिटीज तो ग्लूकोज जा रहा है यूरिया के थ्रो यानी यूरिन के थ्रो तो क्या नाम रखोगे सो so, ग्लाइकोस मतलब शुगर यूरिया मतलब यूरिन तो बीमारी का नाम होता है ग्लाइकोसूरिया यानी ग्लूकोज जा रहा है किसके थ्रो यूरिन के थ्रू एंड कीटोन बॉडीज जा रहा है तो क्या बोलोगे कीटोन यूरिया और इसको हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं बीमारी डायबिटीज मेलाइटस क्या बोलते हैं डायबिटीज मलाइटस ठीक है ना याद रखना और अगर एडीएच की कमी हो जाए एडीएच की कमी हो जाए तो वहां से जो डायबिटीज होता है वो पानी वाला होता है उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस तो दोनों याद होना चाहिए एक हो गया मिलाइटस और एक हो गया आपका इंसिपिडस क्लियर बोलो भाई हाँ मां से मिलाइटस मां से मीठा कई बार तुम लोग पढ़े होगे रोल ऑफ अदर आर्गन इन एक्सक्रीशन अब भैया यहां से तो नाइट्रोजनस वेस्ट आपका निकल गया लेकिन और भी आर्गन होते हैं जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं सबसे पहले लंग्स कहते हैं आप जब इंस्पायरेशन करते हो तो ऑक्सीजन इंटेक करते हो ज्यादा अमाउंट में जब एक्सपायरेशन करते हो तो सीओ टू ज्यादा निकलता है जो एक प्रकार का क्या है मेटाबोलिक वेस्ट है यानी एक्सक्रीशन वो भी कहलाएगा तो लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट अमाउंटिमेटली टू हंड्रेड एम एल पर मिनट तो लंग्स आपका दो सौ क्या निकालता है है पर मिनट निकालता बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में ध्यान रखना एंड आल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे और जब आप एयर बाहर निकालते हो जब सांस बाहर छोड़ते हो कुछ देर के लिए अपने हाथ ऐसे रखो तो थोड़ी देर बाद आपका हाथ क्या हो जाएगा गीलापन हो जाएगा भीग जाएगा नम हो जाएगा इसका मतलब जो एयर निकल रहा था उसमें क्या था वाटर कंटेंट था मॉइस्चर भी था क्लियर एंड आल्सो सिग्निफिकेंट ऑफ वाटर एवरीडे लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी होता है सेक्रेट बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन कोलेस्ट्रॉल डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन तो लीवर के बारे में आपको बता ही दिया था लीवर में आपका बाइल पिगमेंट्स बाइल जूस बनता था स्टोर होता था गाल ब्लैडर में आपके जो भी डिटॉक्सिफिकेशन या चीजों का ड्रग वगैरह इन सब का जो रिमूवल किया जाता है ये सब काम करता है बेचारा लीवर तो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंस अल्टीमेटली पास आउट एलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट तो आप बिली रुबिन बिली वर्डिन सबको तोड़ तोड़ के किससे भेजेगा डाइजेस्टिव वेस्ट के जरिए भेज देगा और साथ ही साथ यूरिया भी कहां बनता है बेटा आपका लीवर में बनता है ये भी ध्यान रखिएगा

इसका मतलब हम लोग यू, आ, स्वेट को डायलूट यूरिन बोल दे तो कोई गलत नहीं है यूरिन में यूरिया का कंसंट्रेशन ज्यादा है स्वेट में क्या है कम है अब आता है सिवेसियस इसका दूसरा नाम होता है ऑयल ग्लैंड तो सिवेसियस ग्लैंड से जो सेक्रेशन होता है वो ऑयली होता है उसमें स्ट्रॉल्स होंगे वैक्स वगैरह ये सब किसमें होते हैं में। स्वेट, स्वेट ग्लैंड ज वाटरी फ्लूनिंग एन एस एल प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू इफेक्ट। आपको पसीना कब आता है जब गर्मी लगती है, दीरे, 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 क्या होता है स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग से जो वो वाटर वेपर के फॉर्म में निकलेगा तो आपकी बॉडी हीट को लेकर जाएगा ठंडापन फील होगा तो प्राइमरी फंक्शन स्वेट का क्या था कूलिंग इफेक्ट ऑफ बॉडी साथ ही साथ एसक्रीशन भी हो सकता है इट आल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट मेन्शन सीबीसीएस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक सबस्टेंसिस हाइड्रोकार्बन एंड ठीक है जैसे आपके ईयर वैक्स ये कौन सा ग्लैंड होता है सीबीएसएस ग्लैंड ठीक है आपके जो आमपीट वगैरह में ग्रोइन एरिया में जो ग्लैंड पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं सीबीएसएस ग्लैंड होते हैं दिस सेक्रेशन प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन स्किन में एक ऑयली कवरिंग बनाते हैं डू यू नो दैट स्मॉल थ्रो सिलाईवा टू अब कहते हैं क्या आप जानते हो कि सिलाईवा के जरिए भी स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट का क्या होगा रिमूवल हो सकता है डिसऑर्डर ऑफ द किडनी तो यहाँ पे बस आपको एक डाटा याद करना था लंग्स के थ्रू कितना एम एल सी ओ टू पर मिनट रिमूव किया जाता है माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी किडनी गड़बड़ काम करने लगे तो क्या होगा भाई आपके ब्लड में यूरिया छनी नहीं रहा तो ब्लड में यूरिया ज्यादा होने लगा तो यूरिया इन ब्लड यानी इसको बोलते हैं यूरेमिया कैन लूड अक्यूमलेसन ऑफ यूरिया इन ब्लड कंडीशन कॉल्ड यूरेमिया ठीक है यानी किडनी सही से छान नहीं रहा है विच इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलवर तो यानी आपका धीरे धीरे किडनी काम करना कम कर रहा है और ये आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा और किडनी फेल हो जाएगी तो बिल्कुल काम करना बंद कर देगा इन सच पेशेंट अब भैया ब्लड में क्या जमा हो रहा है यूरिया जमा हो रहा है तो यूरिया क्या करोगे हटाना चाहोगे तो यहां पे आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करते हैं यानी एक ट्यूब बना लेते हैं एक ट्यूब बना लेते हैं ठीक है और इससे आर के जरिए ब्लड भेजते हैं वेन के जरिए निकाल लेते हैं अब इस ट्यूब में जब ब्लड फ्लो करता है तो आपको पता होगा इस ब्लड में क्या होगा यूरिया ज्यादा होगा या नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा होगा आस प्लास फ्लूड भर देते हैं डायलाइजिंग फ्लूड बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं डायलाइजर ट्यूब ठीक है अब बताओ इस फ्लूड में जो डायलाइजिंग फ्लूड होता है इसमें ब्लड का सारा कंसंट्रेशन होगा यानी सब कुछ होगा खाली इस फ्लूड में क्या नहीं रखते हैं नाइट्रोजेनस वेस्ट नहीं रखेंगे अब ब्लड में ढेर सारा अमाउंट में क्या है नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्लूड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी हाई टू लो ब्लड से नाइट्रोजेनस वेस्ट कहां चला जाएगा इस इस में जब इस फ्लूड में अच्छा खासा अमाउंट में क्या आ जाएगा आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट आ जाएगा तो यह फ्लूड यहां से हटा दिया जाएगा फिर नया फ्लूड डाला जाएगा ऐसे धीरे धीरे आपका ब्लड को क्या कर लिया जाता फिल्टर कर लिया जाता है तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द ब्लड फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी आर्टरी से निकाला जाएगा और वेन के जरिए फिर बॉडी में इंटर कर दिया जाएगा पम्ड इंटू आर्टिफिशियल किडनी जो डायलाइजिंग यूनिट होता है इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी इसमें फ्लूड होता है इसको बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूड और एक क्वाइल्ड ट्यूब होता है सेलोफेन का इसके जरिए आपका ब्लड इससे गुजरेगा ब्लड फ्राम अ कन्वीनियंट आर्ट्री इज पम्प इन टू अ डायजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोगलेंट लाइक हिपेरिन आप जब पता है कि आपके ब्लड वेसल से एक किसी आर्टिफिशियल मीडियम में जा रहा है तो हो सकता है ब्लड यहाँ पे क्या हो जाए जम जाए क्लॉट कर जाए तो उसको रोकने के लिए आपको पता होता है एक एंटीकोगलेंट लगाया जाता है जैसे हिपेरिन क्या होता है एंटीकोगलेंट उसी के जैसा एंटीकोगलेंट मिलाया जाता है तो कहते हैं जब आर्ट्री से ब्लड इसमें डाला जाता है तो एंटीकोगलेंट जैसे कि हिपेरिन जैसा उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है द यूनिट कंटेंस ऑफ क्वाइल्ड सेलोफेन ट्यूब ये जो ट्यूब है क्या है क्वाइल्ड सेलोफेन ट्यूब है सराउंडेड अ बायूड दैट इज कॉल्ड डायलाइजिंग फ्लूड ये हो गया आपका डायलाइजिंग फ्लूड अब कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूड और ब्लड का सारा कंसेंट्रेशन सेम होता है एक्सेप्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट तो लिखा है सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा क्योंकि प्लाज्मा ही तो छनता है आपको पता होगा एक्सेप्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट तो प्लाज्मा का सारा कंसंट्रेशन होता है लेकिन खाली उसमें क्या नहीं होगा वेस्ट नहीं होगा जिसकी वजह से आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट उस फ्लू के अंदर चला जाएगा ट्यूब एलाउ दैसेज ऑफ मालिक्यूल बेस्ड ऑन कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट एज नाइट्रोजिनस वेस्ट आर एबसेंट इन द डायजिंग फ्लूड दिसली मूव आउट अब ट्यूब से कहा चले जाएंगे उस फ्लूड में चले जाएंगे ठीक है ना? द ब्लड ब्लड इज बैक टू द बॉडी वेन अरे आरटी के थ्रो पंप होगा और वेन के मार लेगा। After adding to it. तो जब गया था तो ना होता, तो ना तो क्या डाले थे like और जब बाहर अंदर बॉडी में आएगा तो क्या डालेंगे एंटी हिपेरिन दिस मेथड इज अ boon फॉर थाउजेंड ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर वर्ल्ड तो यूरेमिया के जो हजारों पेशेंट हैं, जिनके ब्लड में यूरिया का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो टाइम टू टाइम क्या कराते हैं डायलिसिस करवाते हैं लेकिन अगर किडनी एकदम काम करना बंद कर दे तब तो कितना डायलिसिस कराओगे तो लोग कहते हैं यार जरा ढूंढो कोई किडनी लगा लेते हैं भगवान ने तुम्हें दो दिया एक हमको भी दे दो एक से तुम काम चलाना एक से हम काम चलाना तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड फॉर करेक्शन ऑफ रीनल फेलवर तो अगर रीनल फेलवर हो गया तो आपका लास्ट उपाय क्या है आपका किडनी ट्रांसप्लांटेशन अब फंक्शनिंग किडनी यानी फंक्शन करने वाली किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है फ्रॉम डोनर डोनर से लिया जाता है किडनी और जो पेशेंट होता है उसमें ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है अब कहते हैं कोई बाहरी पार्ट आता है, आता है तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है इम्यून सिस्टम बाहरी चीजों को जिंदा रहने नहीं देता है तो प्रेफरेंस क्या होना चाहिए कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन में प्रेफरेंस का ऑर्डर होता है सबसे पहले मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्योंकि मोनोजाइगोटिक ट्विंस का जो आपका एच टाइपिंग कराई जाती है वो क्या होगी सेम होगी मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बाद डाई जाइगोटिक ट्विंस होगा उसके बाद आपके सिबलिंग्स होंगे भाई बंधु मम्मी पापा क्लोज रिलेटिव या ब्लड रिलेटिव फिर दूर के थोड़े रिश्तेदार फिर हो सकता है कि और कोई ह्यूमन ते प्रिफरेंस का ऑर्डर होता है कि पहले आपके जो क्लोज हैं उनसे ले लें जिससे रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाए ठीक है तो देखो लिखा होगा रिलेटिव टू मिनिमाइज इट्स चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट तो भाई सबसे कहते हैं लीस्ट रिजेक्शन इन ग्राफ्ट यानी कि ट्रांसप्लांटेशन में जो ट्रांसप्लांटेशन होता उसको है उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग और अगर उसको रिजेक्ट करते हैं तो बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन तो कहते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन में रिस्ट लीस्ट रिजेक्शन कब होगा तो कहते हैं मोनोजैगोटिक ट्विंस लीस्ट रिजेक्शन किसमें होगा मोनोजाइगोटिक ट्विंस अरे 180 लीटर आपका होता है जीएफआर इन अडे ठीक है अब आपको पता है कि अभी नया नया दबा भी आ गई है जिससे हम अपने इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं दबा के रखते हैं तो आपका ग्राफ्ट रिजेक्शन अब थोड़ा सा कम होने लगा है क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन के फील्ड में हम लोग आगे बढ़ते गए कैलकुलाई यानी कि क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट या ऑक्सिलेट कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल बन जाते हैं और ये कैसे होने चाहिए इन सालगुला अरे सालगुलों होगा तो घुल जाएगा पत्थर अगर सलबुल होता तो पत्थर बन पाता घुल जाता पानी बन जाता पानी बह जाता तो कहते हैं इन सलबुल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट आ जाएगा फॉर्म विद इन द किडनी दैट इज कॉल्ड रीनल कैलकुलाइज कॉमनली बोलते हैं स्टोन और आजकल के समय में ये बहुत कॉमन हो चुका है आपको भी पता है वेलकम अब्दुल ग्लोमेरलोनेफ्राइटिस तो आइटिस वर्ड मतलब होता है इन्फ्लामेशन स्वेलिंग

किडनी स्टोन का पेनफुल होता है आपको पता होगा है ठीक है और इन्फ्लामेशन आइटिस वर्ड होता है स्वेलिंग जिसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन तो बेटा ये रहा आपका चैप्टर एक्स प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन हमने पूरी एनसीआरटी की लाइन से आपको खत्म कर दिया ठीक है यस yes. हाँ हाँ सोनी स्ट्रेस कंडीशन हो जाएगा ना तो स्ट्रेस कंडीशन में आपका यूरिनेशन बढ़ जाता है हम्म तभी जब स्ट्रेस होता है तो बहुत बार जाते हो गए नहीं कि पंद्रह मिनट बाद फिर, फिर फीलिंग आ जाती है कि जाना है तो चलिए बाबा क्लास को लाइक करिएगा शेयर करिएगा कमेंट करिएगा मिलेंगे कल आठ बजे फिर कल आठ बजे फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ ठीक है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ मिलेंगे लोकोमोशन फिर कभी करा देंगे आपका छोटा सा चैप्टर खुद पढ़ लेना नहीं आएगा तो बताना पढ़ा देंगे कभी कल अच्छा चैप्टर आ जाएगा आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो बाय बच्चों गुड नाइट टेक केयर बाय बाय